हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हमने हाइड्रोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखने हैं पहले, देन हम लोग क्या करेंगे उसके बाद में हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, मुस्कान गुड इवनिंग सर, रोहित कुमार गुड इवनिंग, अंकित गुप्ता गुड इवनिंग, सॉरी अनिकेत गुप्ता गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, अभी सारे अपने फ्रेंड्स में जो भी है सब तक सेंड कर दीजिए। और आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। बिट्टू कुमार रजक गुड इवनिंग। एकलव्य शर्मा, सुमन कुमार सिंह गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से अपने फ्रेंड्स में भेज दीजिए जो भी हैं आपके, जो भी पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन करना चाह रहे हैं। आज हम लोग पहले देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद में हम लोग फिर क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो भी बच्चा थ्योरी पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है, जिसको लगता है मेरे को आता है वो आराम से, जिसने टेस्ट सीरीज ले रखा है वहां पे जाकर के वो पूरा थ्योरी पढ़ सकता है, कोई भी है सारा कुछ देख सकता है। चलिए एक सेकंड, जस्ट बस ओके। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। और जो भी आंसर दे प्लीज ध्यान से समझ करके आंसर देना है, ठीक है ना। जो भी बच्चा आंसर दे उसका ध्यान से आंसर दीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है बच्चों वो आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। आप टेस्ट इसके पीडीएफ की टेंशन मत लीजिएगा। टेस्ट सीरीज इसको कहाँ पे मिल जाएगा बच्चों आपको, जो जैसे ही क्लास ओवर होगा उसके बाद में इसके विद सॉल्यूशंस एबीसीडी के साथ में हम आपको इसको टेस्ट सीरीज में अपलोड कर देंगे, वहां पे आपको ये सारे क्वेश्चंस इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए अब आप जल्दी जल्दी बताते जाइएगा, जितना जल्दी आप बता देंगे उतना जल्दी हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 20 से 25 क्वेश्चंस हैं, इससे थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट इन विद द रेस्ट। तो यहाँ पे हमारे दे रखा है रेन, स्नो, स्लेट एंड फ्रॉस्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। एक ज्यादातर आंसर क्या दे रखे, ए दे रखे, इसका आंसर सी आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आएगा, सी आएगा। उन्होंने बोला है कौन सा उसमें से नहीं है, तीन एक जैसे, एक उससे क्या है डिफरेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा फ्रॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब देखिए हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन को नहीं देखा था, तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा उसका डिस्कशन कर लेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन, ठीक है। जो भी आपके पास प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड होगा उन सबको हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो बताइए कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन रिजल्ट्स फ्रॉम कौन सा होता है, फ्रंटल डिस्टरबेंस ड्यूरिंग द साइक्लोनिक मूवमेंट ऑफ द बैरोमीटर लो, दूसरा है राइजिंग ऑफ द कोल्डर एयर इन टू द वार्मर सराउंडिंग, द राइजिंग ऑफ द वार्मर एयर इन द कोल्डर डेंसर सराउंडिंग, द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर ऑन सर्फेस ड्यू टू सडन चेंज इन टेम्परेचर। तो बोलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट। सेक्शन क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का द कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन रिजल्ट्स फ्रॉम, सेकेंड क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा बच्चों, सेकेंड टू का ए गौरव, फ्रंटल डिस्टरबेंस ड्यूरिंग द साइक्लोनिक मूवमेंट ऑफ द बैरोमेट्रिक
कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन के बारे में पूछा है, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन का रिलेशन किसके साथ में होता है बच्चों, टेम्परेचर के साथ में होता है। यस बिट्टू कुमार रजक, योर आंसर इज करेक्ट डी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, डी आएगा। ध्यान से देखिए ना, क्वेश्चन को पढ़ते तो जाइए, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, ठीक है। हमारे पास कितने टाइप्स के प्रेसिपिटेशन थे, जल्दी से आप टाइप करके बताइए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन को आप टाइप करके बताइए, कौन कौन से हमारे पास प्रेसिपिटेशन थे। हमारे पास एक था ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन था, कन्वेक्टिव था, साइक्लोनिक था, और कौन सा था, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन था। तो इसका बोले क्या आंसर आएगा, जो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता है, जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है उसके कारण होता है। अगर ये हमारे पास साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता तो बच्चों ये किसके कारण होता है, प्रेशर के कारण होता है, प्रेशर डिस्टर्बेंस के कारण होता है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, हमारे पास डी आएगा। नेक्स्ट पॉइंट बताइए, आइसोहाइट्स आर क्या है बताओ बच्चों जल्दी से। आइसोहाइट्स क्या होता है, एरियाज ऑफ द इक्वल प्रेसिपिटेशन, लाइंस ऑफ इक्वल प्रेसिपिटेशन ऑन मैप, लाइन ऑफ इक्वल टेम्परेचर ऑन मैप, लाइंस ऑफ इक्वल बैरोमेट्रिक प्रेशर ऑन द मैप। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बॉबी सिंह गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी आंसर बता जाइए, क्या आंसर आएगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। आइसोहाइट्स क्या होता है, एरियाज ऑफ इक्वल प्रेसिपिटेशन, लाइंस ऑफ इक्वल प्रेसिपिटेशन ऑन मैप्स, लाइंस ऑफ इक्वल टेम्परेचर ऑन मैप्स, लाइंस ऑफ इक्वल बैरोमेट्रिक प्रेशर ऑन मैप्स। थ्री का क्या दे रखा है, बी। यस गौरव, थ्री का क्या आंसर आएगा बच्चों, बी ऑप्शन आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो हमारे पास इक्वल प्रेसिपिटेशन की जो लाइंस होती है उनको जोड़ कर, जो उनको ज्वाइन करके जो हमारे पास लाइन बनती है उसको आइसोहाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, What is the intensity of rainfall is? Intensity of rainfall is, हम लोगों ने पढ़ा था intensity को denoted करते हैं बच्चों I से, it is equivalent, but P by किसके होता था हमारे पास, P equal to क्या था, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू हमारे पास क्या है, डी पी अपॉन क्या होता है बच्चों, डी टी के इक्वलेंट होता है। I equal to P by T equal to delta P upon delta T equal to dP upon dT। तो ये क्या कह रहा है, टोटल रेनफॉल इन ए पीरियड, नो ये तो किसको बता देगा, ये तो प्रेसिपिटेशन को बता रहा है। आपने याद भी रखना है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ये क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास होता है सेंटीमीटर पर आवर होगा, या फिर हमारे पास क्या होगा, mm पर आवर। इस पॉइंट को आपने क्या रखना है, याद रखना है। तो टोटल रेनफॉल इन ए पीरियड, रेनफॉल पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम ऑफ द वाटर कलेक्टेड पर यूनिट टाइम, डेप्थ ऑफ रेनफॉल पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग विच इट फेल, मतलब जिस टाइम पे ये बरसात हो रही है। यस एकलव्य शर्मा, योर आंसर इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आएगा। अब आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए, देखिए ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ते चलिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट बताइए, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन रिजल्ट्स फ्रॉम थर्मल कन्वेक्टिव करंट्स, ऑरोग्राफिक कन्वेक्शन करंट्स, फ्रंटल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द बैरोमेट्रिक लो, और लास्ट वन है नन ऑफ द एबव। बोले इसका आंसर क्या आएगा, और अपने काउंट भी करते चलना है कि कितना मार्क्स बन रहा है, टोटल में से खुद परसेंटेज ले लेना आज कि कितना मेरा मार्क्स बन गया, कितना मेरा प्रिपरेशन हो गया, क्योंकि अब इसके बाद प्रिपरेशन नहीं हो सकता है, उसके बाद तुम ज्यादातर चीजों को याद रख सकते हो। बताइए जल्दी से, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन रिजल्ट्स फ्रॉम थर्मल कन्वेक्शन करंट, ऑरोग्राफिक फ्रंटल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ बैरोमेट्रिक लो, नन ऑफ द एबव। जल्दी जल्दी बताते जाइए, फाइव का सी क्या आंसर आएगा बच्चों, प्लीज क्वेश्चन मेंशन करके बताइए क्या आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा डी, ये किसके कारण हो रहा है, प्रेशर डिस्टरबेंस के कारण होता है बच्चों। प्रेशर का जब क्या आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा तब तक हमारे पास साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है, जब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या लो प्रेशर टू हाई प्रेशर की तरफ क्या होता है, मूवमेंट होता है। नेक्स्ट बताइए, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था आपने थ्योरी में, 100
ईयर पीक डिस्चार्ज मींस, इसका मतलब क्या होता है बताओ, क्या मतलब होता है? हम लोगों ने पढ़ा था 100 ईयर पीक डिस्चार्ज, या फिर हम लोगों ने पढ़ा था 50 ईयर पीक डिस्चार्ज, उसका वैल्यू बताइए फास्ट जल्दी से। इसका बताइए बच्चों, ए 100 ईयर पीक डिस्चार्ज मींस क्या होता है? ए मैक्सिमम डिस्चार्ज व्हिच ऑकर्स इन 101 मतलब 101 ईयर है, या मैक्सिमम डिस्चार्ज होता 100 ईयर ऑकरेंस इंटरवल है। द पीक डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रीसीडिंग ईयर विल ऑकर 100 ईयर्स आफ्टर दैट। ए मैक्सिमम डिस्चार्ज विल 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ रीअकरिंग ड्यूरिंग नेक्स्ट 99 ईयर्स होता है। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? जल्दी जल्दी बताते जाइए। सभी का आंसर क्या आ रहा है? सुमन कुमार सिंह बी ऑप्शन, निशांत, मनुपाल सिंह 19 का सी, द पीक डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रीसीडिंग ईयर विल ऑकर 100 ईयर्स आफ्टर दैट। हम लोगों ने क्या बोला था? हम लोगों ने कल बताया था 100 ईयर पीक डिस्चार्ज का मतलब था बच्चों, जो 100 ईयर से उसमें कौन से ईयर में मैक्सिमम वो था हमारे पास डिस्चार्ज था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? 6 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हमारे पास 100 ईयर में होना चाहिए। ठीक है, रिकरेंस इंटरवल कितना होता है? 100 ईयर, मैक्सिमम डिस्चार्ज। नंदन कुमार गलत आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए बच्चों, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ विंड स्पीड इज, क्या आंसर आएगा इसका? द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ विंड स्पीड इज एनीमोमीटर, ठीक है, दूसरा रोटामीटर, तीसरा ऑडोमीटर, और ये जो डी है ये एटमोमीटर है। क्या बच्चों? ये एटमोमीटर है एक्चुअली। तो आप बता सकते हैं किसका क्या काम होता है? ये सारे आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 7 का, हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा बच्चों 7 का ए होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनीमोमीटर कहेंगे। बाय हेल्प ऑफ द एनीमोमीटर हम लोग क्या फाइंड करते हैं? हम लोग यहाँ पे विंड स्पीड को फाइंड करते हैं। अब आप बताइए बच्चों, रोटामीटर की हेल्प से आप क्या फाइंड करते हैं? बाय हेल्प ऑफ द रोटामीटर। ऐसे सारे ऑप्शन आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना? जल्दी जल्दी बताते जाइए। इसका ए ऑप्शन आएगा, रोटामीटर की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करते हैं? तो आपने याद रखना बच्चों, रोटामीटर की हेल्प से हम लोग डिस्चार्ज फाइंड करते हैं, डिस्चार्ज। वेंचुरीमीटर का आपने नाम सुना होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में। नेक्स्ट है बच्चों ऑडोमीटर, बताइए ये ऑडोमीटर का यूज कहां पे होता है और इसके हेल्प से हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं? तो आपने ध्यान देना, इससे हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। ऑडोमीटर आपने सर्वेइंग में पढ़ा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एटमोमीटर, एटमोमीटर की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करते हैं? इसे इवेपोरेशन को क्या किया जाता है? फाइंड किया जाता है। किसको फाइंड किया जाता है? इवेपोरेशन को फाइंड किया जाता है। तो सभी का आंसर मिला जुला करके सही आ गया है। 7 का ए आंसर आएगा एनीमोमीटर, एनीमोमीटर इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द विंड स्पीड, देखिए मैं ये पीडीएफ दे दूंगा ना, आप आंसर लगाएंगे, आपको खुद जज नहीं कर पाएंगे ना कितना आपने पढ़ लिया। अरे ठीक है, अगर आप यहाँ पे 50% मार्क्स लेकर के आ रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिए एग्जाम में 75% कर लेंगे। और अगर हमारा पड़ोसी सही मिल गया, मजबूत मिल गया, तो वो 75 को 95 में कन्वर्ट कर देगा। तो कम से कम एक बार जज तो करो कि मैंने कितना मेहनत किया है। अब सारे नोट्स पढ़ा दिए, एक भी नोट्स ऐसा नहीं है जो हमने नहीं पढ़ाया, एक भी पॉइंट नहीं है इसमें। तो इस पर इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे आप? द नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायर्ड पर यूनिट एरिया टू गिव फेयरली रिलायबल डाटा ऑन रेनफॉल ओवर एन एरिया इज स्मॉल वेयर रेनफॉल ग्रेडियंट इज स्टेप, लार्ज वेयर रेनफॉल ग्रेडियंट इज स्टेप, स्मॉल फॉर हिली एरियाज, लार्ज फॉर लेवल टेरेन। तो बोले क्या आंसर आएगा इसका? थोड़ा सा दिक्कत होगा, हाँ थोड़ा सा लेवल है क्वेश्चन का, किसी किसी क्वेश्चन में आपने इतना नहीं सोचा होगा जितना यहाँ पे आपको सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। डोंट वरी, इनके सबके आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आंसर्स मिल जाएंगे, याद कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप वहाँ पे आंसर टिक करके आ जाना। तो द नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायर्ड पर यूनिट एरिया टू गिव फेयरली, तो बच्चे इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन आएगा, लार्ज वेयर रेनफॉल ग्रेडियंट इज स्टीप, ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को बताओ। थीजन पॉलीगंस, थीजन पॉलीगंस का क्या मतलब होता है बच्चों बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीजन पॉलीगंस? रोटामीटर डिस्चार्ज के लिए होता है, ऑडोमीटर डिस्टेंस के लिए होता है, वेरी गुड स्वदेशी। सुमन कुमार सिंह बी, रितेश, गौरव, अमित, जल्दी जल्दी सभी आंसर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दो वीडियो को, सबको
प्रसाद है ये तो, जिसको मिल जाए उसको अच्छा है। थीजन पॉलीगन का मतलब बताओ, आप लोगों ने पढ़ा था ना, हम लोगों ने मेथड्स पढ़े थे, जब हम लोग क्या करते हैं रेनफॉल का क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं, प्रेसिपिटेशन का जो मेजरमेंट करते हैं, वहां पे हम लोगों ने 3 मेथड्स पढ़े थे, याद करो कौन कौन से मेथड्स थे बच्चों। वहां पे हम लोगों ने मेथड्स पढ़े थे अर्थमेटिक मीन मेथड, दूसरा कौन सा था थीजन पॉलीगन मेथड, थर्ड कौन सा था आइसोहेड्रल मेथड। तो बताइए सर आप एसएससी जेई लेवल, नहीं 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 एसएससी जेई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन इसी के ही है, देखिए ध्यान से सुनते जाइए ना। थीजन पॉलीगन का मतलब क्या होता है, थीजन पॉलीगन्स, एक होता है थीजन पॉलीगन मेथड। देखिए यहाँ पे आंसर क्या बता सकते हैं, डिफाइन द जोन ऑफ द इक्वल प्रेसिपिटेशन आर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थमेटिक मीन डाटा एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ द एस्टिमेटिंग रेनफॉल डाटा। पहले वाला क्या, डिफाइन द जोन ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच स्टेशन। तो बच्चों क्या है हमारे पास, इसका आंसर आएगा डिफाइन द जोन ऑफ देखिए सभी लोग क्या आंसर बता रहे, डिफाइन द जोन ऑफ इक्वल प्रेसिपिटेशन। आप याद करिए इक्वल प्रेसिपिटेशन हो सकता है क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन था यहाँ पे, नो। थीजन पॉलीगन में हम लोग कैसे करते थे, हम लोग खुद बोलते थे यहाँ पे स्टेशन का जो कैसा है डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास किसको बता रहा है, डिफाइन द जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द ईच स्टेशन, जो हमारे पास स्टेशन होता है वो कितने एरिया को इन्फ्लुएंस करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, थीजन पॉलीगन बोलते हैं। अगर यहाँ पे मेथड लिखा होता थीजन पॉलीगन मेथड, तब हमारे पास कौन सा आंसर आता, तब हम लोग डी ऑप्शन का करेक्ट लगाते हैं, एन एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रेनफॉल डाटा, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा, थीजन पॉलीगन डिफाइन द जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ईच स्टेशन। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखिए गलत होगा तो क्या होगा, कोई ऐसा तो नहीं, हम मार्क्स देने के लिए तो ना बैठे हुए यहाँ पे, गलत होगा तो हम लोग उसको सही करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बताइए, रन ऑफ कैन बी स्टेटमेंटेड बाय, जो आप रन ऑफ फाइंड करते हैं, रन ऑफ की डेफिनेशन है वो आप किस मेथड के हेल्प से फाइंड करते हैं बताओ, यूनिट हाइड्रोग्राफ है, रेशनल मेथड है, इनफिल्ट्रेशन मेथड है, एनी ऑफ द अबव, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। सर इसके बारे में फिर से बताइएगा, ओके बता देते हैं फिर से, देखिए ध्यान से, थीजन पॉलीगन उन्होंने पूछा है, उन्होंने क्या पूछा, सिंपल थीजन पॉलीगन पूछा है, डिफाइन द जोन ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच स्टेशन। ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग देखते थे ना, जैसे हमने इस तरीके का कल आपको डायग्रामेटिकली बनाया था, इस तरीके का याद करो, हम लोगों ने क्या बोला था कि भाई ये स्टेशन है हमारे पास, दिस इज द स्टेशन ए, दिस इज द स्टेशन बी, दिस इज द स्टेशन सी, दिस इज द स्टेशन डी एंड दिस इज द स्टेशन ई, या 1 2 3 4 5 भी आप कर सकते हैं। तो जब हम लोग क्या करते थे सभी, देखिए इसमें फॉर्मूला क्या होता था, पी एवरेज इक्वल टू क्या होता था याद करो, P1A1 प्लस P2A2 प्लस P3A3 एंड सो ऑन, डिवाइड में क्या था हमारे पास, A1 प्लस A2 प्लस A3, यस और नो। जो A1 A2 A3 है ये क्या थे, ये हम लोग यहाँ पे फाइंड करते थे इस तरीके से, याद करो हम लोग क्या करते थे इस तरीके से फाइंड करते थे, सपोज यहाँ पे भी हमारे पास क्या एक स्टेशन है लाइक दिस, तो हम लोग इसको इस तरीके से क्या कर रहे थे, फाइंड कर रहे थे लाइक दिस, ठीक है। सॉरी ये लाइन ऐसे नहीं आएगा, इनके मेथड्स होते हैं कि ऐसे कैसे आता है, ठीक है ना, इसके मेथड्स होते हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हमने इसके मेथड्स होते हैं इसलिए आपके सिलेबस में वो है नहीं। जैसे देखिए A5, ये वाला जो एरिया है दिस इज द A5, तो ये स्टेशन जो हमारे पास ये स्टेशन है ये क्या कर रहा है, ये स्टेशन इस एरिया को इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीगन कहेंगे, यस और नो। थीजन तो साइंटिस्ट का नाम है, पॉलीगन, ठीक है, ये पॉलीगन किसको बता रहा है, जिस एरिया को, जिस इस स्टेशन ने कितने एरिया को क्या कर रखा है, इन्फ्लुएंस कर रखा है। अगर आप मेथड की बात करेंगे तो मेथड इज डिफरेंट, मेथड तो ये हो जाएगा ना जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, पर हमने यहाँ पे इस पॉलीगन की बात किया है, तो ये पॉलीगन हमारे पास कैसा है, तो ये क्या करता है, डिफाइन द जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ईच स्टेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रन ऑफ कैन बी एस्टिमेटेड बाय, इस क्वेश्चन का आंसर सबका क्या है, डी। इसमें हमारे पास क्या है, इन्फिल्ट्रेशन मेथड, यूनिट हाइड्रोग्राफ, रेशनल मेथड, तो बच्चे इसका आंसर आ जाएगा डी, इसका आंसर आएगा डी, अमित कुमार बहुत लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं, कुछ कुछ छोड़ करके चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाद में पढ़ लेना। अब नेक्स्ट बताइए कौन सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला यूज्ड फॉर घाट एरिया ऑफ द बॉम्बे, बताइए हम लोगों ने कल मेथड्स पढ़े थे, कौन कौन से फॉर्मूलाज पढ़े थे, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला आएगा हमारे पास, घाट एरिया फॉर द बॉम्बे के लिए हम लोग किस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे खोसलाज फॉर्मूला, पार्कर्स फॉर्मूला, लेसिस फॉर्मूला और एक है हमारे पास इंग्लिश फॉर्मूला, विच ऑप्शन इज करेक्ट,
जल्दी जल्दी बता जाओ क्वेश्चन नंबर 12 का क्या ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यस राहुल गौरव योर आंसर इज करेक्ट। इसका आंसर क्या है बच्चों, इंग्लिश। ये हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सही है, यही हम लोगों ने पढ़ा था ना। बॉम्बे कहां पे आता है ये फॉर्मूला, किसके लिए एप्लीकेबल था, ऑनली ऑनली महाराष्ट्र के लिए था। तो आप सबको पता है महाराष्ट्र में ही क्या आता है हमारे पास, ये हमारे पास आता है। तो महाराष्ट्र में जो हमारे पास वेस्टर्न घाट, ठीक है, जो हम लोग देख रहे थे वो हमारे पास किसमें आएगा, वो हमारे पास आएगा बॉम्बे में, ठीक है, इंग्लिश फॉर्मूला। नेक्स्ट बताइए, मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द फ्लड डिस्चार्ज एरिया ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्मूला आएगा। आप लोगों ने कल पढ़ा था ना, हम लोगों ने 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे और मैंने आपको बताया भी था कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है वो आपने याद रखना है। वेरी गुड वेरी गुड, इस बार सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 13, इस बार जोश आ गया सभी में, वेरी गुड। मनुपाल सिंह, सिविल टेक, एकलव्य शर्मा, कोमल, क्रेजी, सुमन कुमार, अमित कुमार, विपुल, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बच्चे ए आएगा, q इक्वल टू क्या हमारे पास, q इक्वल टू सी ए की पावर n होता है। तो आप लोगों को याद है हमारे पास 2 फॉर्मूलाज थे। अगर मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है ना, ध्यान से देखना, अगर हम लोग यही लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन की जगह पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन फॉर द डेकन्स फॉर्मूला, क्या वैल्यू होगा डेकन्स के लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन फॉर द डेकन्स फॉर्मूला। यस बिल्कुल सही है, जल्दी जल्दी से बताते जाइए, थोड़ा रिवीजन होता रहेगा आपका। हम लोगों ने पढ़ा था q इक्वल टू सी डी ए की पावर n, n व्हाट इज द n फॉर डेकन्स फॉर्मूला, जल्दी जल्दी बताते जाइए। 3/4, वेरी गुड, कौन सा हमारे पास 3/4 इज करेक्ट। ये हमारे पास वैल्यू क्या जाएगा बच्चों, दिस वैल्यू इज व्हाट, 3/4 इज करेक्ट। अगर हमारे पास दूसरा हमारे पास जो है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाता, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है हमारे पास, सिर्फ इस बार डेकन के भाई हमारे पास साइंटिस्ट आ गया, तो इस बार एन का वैल्यू क्या होगा बच्चों, बताओ क्या एन का वैल्यू होगा। इसी तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर जगह पे, इसी तरीके के बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला फॉर फ्लड डिस्चार्ज एरिया ऑफ द फॉर्म, क्यू इक्वल टू सी ए की पावर एन, एन इक्वल टू 3/4 फॉर द डेकन फॉर्मूला। और जो हमारे पास ये वाइज फॉर्मूला, इसमें बताइए एन का वैल्यू कितना होता है, अभी तक किसी ने नहीं बताया, फास्ट जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, इसका वैल्यू हमारे पास कितना होता है, 2/3। यस वेरी गुड वेरी गुड, इसका वैल्यू क्या होता है हमारे पास, 2/3 होता है। देखिए रिवीजन हो रहा है, अब कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसा पढ़ ही जाएगा ना जो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है ना, तो इसलिए आपने ज्यादातर चीजों पे क्या है पॉजिटिव वे में हमने चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जैसे मैक्सिमम सरफेस रन ऑफ इज फेवर्ड ड्यू टू, आप इसको याद रख सकते हैं बच्चों, ए प्लस स्ट्रॉन्ग के लिए होता है। अगर आपने इसको डेप्थ में पढ़ रखा हो तो ये आंसर बता सकते हैं, अदरवाइज आप ए ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, अपने आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा, ए आएगा। अब आप ये बताइए क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका एसबीटी लेवल क्वेश्चन है, बताइए ए सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या करता है, बताओ ए सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज। यस स्वदेशी चिकित्सा, नेक्स्ट पॉइंट को बताइए यार, अपना नाम रख लीजिए ना, क्या स्वदेशी चिकित्सा रखा हुआ है, नाम छुपाने की क्या जरूरत है, ऐसा नाम तो नहीं होगा डेफिनेटली आपका, अच्छी बात है, लोग आपको 10 लोग और जान जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, अब देखिए ध्यान से देखिए जो जो ठीक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 15 का आंसर बताओ बच्चों, हनी वर्ल्ड सी, सभी का आंसर सी आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज मतलब कौन सा आ गया, जो हमारे पास रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है वही सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है। रिकॉर्ड्स द सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज, रिकॉर्ड्स द क्लाउड कवर गलत, रिकॉर्ड्स द स्नोमैन गलत,
records the rainfall intensity, records the cumulative depth of the rainfall. So which option is correct? इसमें मेजोरिटी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन क्या है, हमारे पास सी ऑप्शन सही है. ठीक है, सर मेरा नेम सिंटू कुमार है. वेरी गुड. देखिए कितना प्यारा नाम है आपका, आप स्वदेशी चिकित्सा बने हुए हैं. तो ये है रिकॉर्ड्स द कम्युलेटिव डेप्थ ऑफ रेनफॉल. ठीक है बच्चों, इसका जो आंसर है ना वो हमारे पास डी ऑप्शन है. ये पॉइंट ध्यान रखना. एक सेकेंड, जो अब यहाँ पे आपको बहुत सारा डाउट होगा, ये दो ऑप्शन में तो किसी की कोई है ही नहीं. ठीक है, पहले दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है. ए सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज रिकॉर्ड्स द रेनफॉल इंटेंसिटी, रिकॉर्ड्स द कम्युलेटिव डेप्थ ऑफ द रेनफॉल. देखिए आपने देखा होगा जो मास कर्व होता है ना, जैसे मास कर्व, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना टिपिंग बकेट टाइप, एक होता वेइंग टब, ठीक है, एक होता था हमारे पास साइमन जो होता था, साइमन, ठीक है, साइफन जो होता था जिसको हम लोग नेचुरल बोलते थे. तो वहां पे देखिए आप ध्यान से, सिर्फ एक ही था जो हमारे को रेनफॉल इंटेंसिटी के बारे में बताता था, वो था टिपिंग बकेट. बाकी जो था वो सब किसके बारे में बताता था, मास कर्व के बारे में बताता था. मास कर्व के बारे में बताता था, मास कर्व का मतलब क्या होता है कि जो प्रेसिपिटेशन होता है उसका क्या करना, एडिंग करना. तो इसलिए सर कंफ्यूजन हो रहा है, बिल्कुल कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पे, रिकॉर्ड्स द कम्युलेटिव डेप्थ ऑफ द रेनफॉल आएगा. अगर टिपिंग बकेट है वही सिर्फ एक आपको क्या बताता है, इंटेंसिटी बताता है, बाकी जो और है वो सब आपको क्या बताते हैं, मास कर्व के बारे में बताते हैं. किसके बारे में बताते हैं, मास कर्व के बारे में, मास कर्व के बारे में बताते हैं. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो रिकॉर्ड्स द कम्युलेटिव डेप्थ ऑफ द रेनफॉल है. चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, द प्रेसिपिटेशन इंक्लूड All of the following except, जो हमारे पास precipitation होता है वो इसमें से किसको छोड़ करके होता है, snow melt, frost, mist and fog, और next है हमारे पास stream flow, इनमें से कौन सा नहीं होगा. देखिए कभी कभी questions ऐसे होते हैं कि जो हमको देखने में लग रहा होता है कि wrong हो सकता है, परंतु हमने उन्हीं answer में से best answer को देना है. पता है which option is correct, हमारे पास कौन सा है, snow melt, frost, mist and fog, stream flow, तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है. तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन हमारे पास क्या नहीं हो सकता है, यहां पे आंसर नहीं हो सकता है, स्ट्रीम फ्लो, स्ट्रीम फ्लो. वेरी गुड. एक नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन आ गया हमारे पास, आइसोहाइड्रल मेथड गिव्स एक्यूरेट मीन एरिया डेप्थ ऑफ रेनफॉल. तो इसका आंसर क्या आएगा, इन ए बेसिन कंसिस्ट ऑफ द प्लेन एंड हिल्स इन ए जेंटली स्लोपिंग बेसिन व्हेन देयर आर ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस व्हेन द प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स स्नो मेल्ट. हाँ उसका सी ऑप्शन सबका करेक्ट है. वेरी गुड, वेरी गुड. हनी वर्ल्ड, हाँ एक बार में भी आंसर सही होता है. ठीक है, और आपने एक बार आंसर लगा दिया सी तो वो एक बार में क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा. ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आइसोहाइड्रल मेथड गिव्स एक्यूरेट मीन एरिया डेप्थ ऑफ रेनफॉल. सेवनटीन का सी, चलिए यही एक मुश्किल क्वेश्चन है, बाकी सब फिर इजी इजी क्वेश्चन हो जाएंगे, आप देख करके आंसर बता देंगे. तो इसका आप याद रख लीजिए, ये हमारे पास होता है बेसिन कंसिस्ट ऑफ द प्लेन एंड हिल्स में, सर ये पे हम लोग क्या करते हैं, आइसोहाइड्रल मेथड का क्या करते हैं, यूज करते हैं. अब नेक्स्ट बताइए, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं फिर, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, द डायमीटर ऑफ द एरिया ऑफ स्टैंडर्ड साइमन टाइप रेन गेज क्या होगा, बताओ. क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है.
जल्दी जल्दी बताइए। यस, इसका आंसर सभी का सही आना चाहिए, 12.7 सेंटीमीटर। ये सेम रिपीट क्वेश्चन है, कल भी हम लोगों ने देखा था इसको। द डायमीटर ऑफ द एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड साइमन्स टाइप रिंग इज 12.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बताइए, फिर से देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट करा है। इन इंडिया द वाटर ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1st जून, 1st अप्रैल, 1st जून, 1st अक्टूबर। आशीष कुमार, गौरव, अंकित, हनी, एकलव्य, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, इन इंडिया द वाटर ईयर स्टार्ट फ्रॉम, वेरी गुड, 12.7 सही है। 19 का सी, यस, ये सभी को पता है, इसको बिल्कुल सिंपल सा है, कल हम लोगों ने देखा था। कब से कब तक चलता है, 1st जून से 31 मई तक चलता है। चलिए देखिए, रिपीट कर गया क्वेश्चन तो मजा आ गया आपको। चलिए फिर से बताइए बच्चों, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप आराम से सोच करके बताना, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ए प्लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम लोग उसको, हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ, मास कर्व और हाइड्रोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए फास्ट। अमित कुमार, गौरव कुमार, 1st जून सही है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों, ए प्लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड, हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ, मास कर्व, हाइड्रोग्राफ। मनुपाल सिंह, ए ऑप्शन किसका, इसका, हाइड्रोग्राफ, मास कर्व, यूनिट हाइड्रोग्राफ और हाइड्रोग्राफ। देखिए यूनिट हाइड्रोग्राफ और हाइड्रोग्राफ आपका सिलेबस का नहीं है, इसलिए अगर इन दोनों ऑप्शंस में और आप नहीं भी लगाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे को देखना है यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस में से, ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस तो गलत हो गए। वैसे भी हम लोग यहाँ पे किसकी बात करते हैं बच्चों, आपने याद रखना, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, हाइड्रोग्राफ। ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या बोला है, एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन वर्सेस टाइम। एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, क्या हम लोग ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे जो रेनफॉल है वो उसको ऐड करते हुए जा रहे हैं। अगर हमने क्या बोला आपको, देखिए ध्यान से, जो हमारे पास जिन लोगों ने हाइड्रोग्राफ लगाया है उनके माइंड में क्लियर होना चाहिए ये किस किस के बिटवीन होता है बच्चों, ये रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बिटवीन होता है। ध्यान से देखिए, जिन्होंने किसी ने भी अभी तक करेक्ट आंसर नहीं बताया है, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर नहीं बताया, ध्यान से देखिए, हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ किसके बिटवीन होता है बच्चों, ये हमारे पास आई इंटू टी के बीच में होता है। आई मतलब रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस क्या होता है, टाइम होता है। ये अगर आप हाइड्रोग्राफ देखते तो वो किस में होता है हमारे पास बच्चों, डिस्चार्ज वर्सेस किस में होता है, टाइम में होता है। अगर आप यूनिट हाइड्रोग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों जो रन ऑफ होता है ना वो कितना होता है, आप 1 सेंटीमीटर लेकर के चलते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लेकर के चलते हैं, जो डेप्थ ऑफ रन ऑफ होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है। अगर रन ऑफ का डेप्थ 1 सेंटीमीटर होता है तो उसी हाइड्रोग्राफ को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। रह गया हमारे पास मास कर्व, तो मास कर्व किसके बिटवीन बनाया जाता है, यही तो पॉइंट हमने याद रखना ना, क्या यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये ध्यान से देखिए, एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन दे रखा है। अगर यहाँ पे दे रखा होता ना आपको इंटेंसिटी, क्या दे रखा होता बच्चों, इंटेंसिटी दे रखा होता, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम होता, ठीक है, इंटेंसिटी वर्सेस रेनफॉल होता, देन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बट इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर है बच्चों वो हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन, मास कर्व, ठीक है, मास कर्व, इट इज गिवन बाय जो वेइंग टाइप क्या होता है हमारे पास, रेन गेज होता है, ठीक है ना, वेइंग टाइप ऑफ रेन गेज। तो देखिए सभी का आंसर गलत आ रहा है, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, इसे हम लोग टफ क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा मेथड्स को, देखिए जब आपने पढ़े होंगे ना, सिर्फ अगर आपने नाम पढ़ा है कि हाँ भाई नॉन गेज, जो हमारे पास नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है या फिर रिकॉर्डिंग रेन गेज, अगर रिकॉर्डिंग रेन गेज को थोड़ा भी अगर आपने डेप्थ में पढ़ा होगा, ठीक है, कि रिकॉर्डिंग रेन गेज का कौन सा कैसे वर्क करता है, कौन सा कैसे रेनफॉल को मेजरमेंट करता है, तो हाँ आपको इसको समझ में आ रहा होगा कि भाई मास कर्व क्या चीज का नाम है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा बच्चों मास कर्व। क्लियर हो गया, हाइड्रोग्राफ कब आता है, जब यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल होता, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन है, दैट्स व्हाई मास कर्व। चलिए अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए, ए प्लॉट ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम इज नोन एज, अब दोनों क्वेश्चन तो एक नहीं है, दोनों क्वेश्चन बोथ आर डिफरेंट। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 21, फर्स्ट
ए प्लॉट ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम इज नोन एज, इस बार क्या आंसर आएगा बच्चों? इस बार हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों वो आएगा हमारे पास हाइट ऑफ रेन, यही तो आप लोग कह रहे थे। अब देखिए दोनों में आप डिफरेंस समझने की कोशिश करिए, दोनों में आप डिफरेंस समझ लीजिए एक बार। इस तरीके से हम लोग दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। ए प्लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन और यहां पे क्या है, ए प्लॉट ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, ये जो वी है ना, वी मतलब वर्सेस है, यहां पे पूरा नहीं लिखा गया है, इसको शॉर्टकट में लिख दिया वर्सेस टाइम। तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर दिखाई दे रहा है, तो आप कह सकते हैं यस सर, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब एडिंग हो रहा है प्रेसिपिटेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मास कर्व कहेंगे। अगर हमारे पास रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोग्राफ कहेंगे। चलिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया सेम आपका, ए लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल रेनफॉल डेप्थ इन ए गिवन ड्यूरेशन इज नॉन एज, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ, इक्वल रेनफॉल डेप्थ इन ए गिवन ड्यूरेशन इज नॉन एज, बच्चों क्या कहेंगे इसको, आइसो हाइट कहेंगे। आपको पता है आइसोफोनिक लाइन, वेट कंट्रोल, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको क्लियर है इसलिए इसमें टाइम नहीं देंगे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चों, व्हाट इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, व्हाट इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल्दी जल्दी बताते चलिए। कौन से क्वेश्चन का, 22 का बी, 22 का बी बताए हैं एक बार देखे थे, यस 22 का बी ही है, सही है सही। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया जा सकता है, व्हाट इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। एक बार ध्यान से पढ़ करके बताना, ऐसे मत बताना कुछ भी, जो भी सोच समझ करके बताना कि सर इसका आंसर ये आएगा। व्हाट इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी टू लैंड, प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी बैक टू सी अगेन, सी फ्रॉम सी बैक टू सी अगेन, प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम स्नो मेल्ट इन माउंटेनियस टू सी, प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम, ये बच्चे यहाँ पे सी टू लैंड है, ठीक है, इस तरीके से सी टू लैंड एंड बैक टू द सी अगेन, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड, इसका कौन सा आंसर सही आएगा, इसका डी ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, करेक्ट आएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए फिर से, व्हाट इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कौन सा होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी टू लैंड एंड देन क्या करता है वो बैक टू किस में जाता है, सी में जाता है। देखिए वाटर कहां से इवेपोरेट कर रहा है, सी से इवेपोरेट कर रहा है, और जगह जगह पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाकर के वो क्या कर रहा है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, जगह जगह क्या कर रहा है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्मेट में जा रहा है। आफ्टर दैट देखिए ध्यान से, दिस इज द सी, ठीक है, दिस इज द सी, ये हमारे पास इस तरीके का सी है, यहां से वाटर क्या कर रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है तो ये क्या बना रहा है, क्लाउड्स बना रहा है, इस तरीके के क्लाउड्स है, इनसे क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, यही नदी नाले कैनाल इन सब में जाकर के मर्ज हो जा रहा है, फिर से वो वाटर किस में चला जा रहा है, सी में चला जा रहा है, दिस इज द प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोल रहे हैं। हमने कभी कभी देखे, अब आप कहेंगे सर आपने तो दूसरा डेफिनेशन बताया था, यस डेफिनेशन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी तो चेंज हो रहा है ना, क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग हमने अपने आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट बताइए, ओमरोमीटर, ओमरोमीटर या फिर हमारे पास पल्वियोमीटर होता है, ये हमारे पास पल्वियोमीटर, पी एल यू बी आई ओ, पल्वियोमीटर इज यूज टू मेजर, बताइए ओमरोमीटर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ये हमारे पास हो गया सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस ऑफ ए प्लांट, रेनफॉल डेप्थ, रूट जोन डेप्थ और लीफ एरिया, विच ऑप्शन इज करेक्ट, यस yes, अमित कुमार जल चक्र, वेरी गुड। तो आपने इस पॉइंट को क्या रखना है, याद रखना है ओमरोमीटर या पल्वोमीटर इज यूज टू मेजर सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस ऑफ ए प्लांट, रेनफॉल डेप्थ, लीफ एरिया, रूट जोन डेप्थ, तो कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों इसका, जल्दी से बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, देखिए ओमरोमीटर का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों के इसी को हम लोग रेन गेज भी बोलते हैं, ठीक है ना, रेन गेज, जी यू, अब आपको क्लियर हो जाएगा,
रेंज गेज कहिए, ओमरोमीटर कहिए, पल्वोमीटर कहिए, इन सब का एक ही क्या होता है मतलब, ये किसके लिए, रेनफॉल डेप्थ को मेजरमेंट करने के लिए क्या किए जाते हैं बच्चों, यूज किए जाते हैं, रेनफॉल डेप्थ को मेजरमेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बताइए, रेनफॉल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड ऑन, रेनफॉल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड ऑन 24 का बी, हाँ बी ऑप्शन सही है उसका, रेनफॉल डेप्थ, वेरी गुड। अब जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, रेनफॉल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड ऑन डेली मंथली वे ईयरली बेसिस, नन। बी मंथली, स्वदेशी चिकित्सा बी, राजेश कुमार ए, नेक्स्ट बताइए और बताइए, सी मुस्कान ए, जल्दी जल्दी बताइए क्या क्या आंसर आएगा। देखिए ध्यान देना, रेनफॉल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड ऑन, डेली मंथली ईयरली बेसिस नन, इसका आंसर आएगा बच्चों डेली 8:30 AM पे हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट बताइए, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन इन ए नॉर्थन हेमिस्फीयर इज ए विंड स्ट्रीम विद, बताइए एक ट्रॉपिकल साइक्लोन इन ए नॉर्थन हेमिस्फीयर इज ए विंड स्ट्रीम विद, हाई प्रेशर जोन टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, हाई प्रेशर जोन टू क्लॉकवाइज रोटेशन, लो प्रेशर जोन टू ऑफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, लो प्रेशर जोन ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन, विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए, 26 का बी, हाई प्रेशर जोन ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन, 26 का आंसर बताइए बच्चों। जल्दी से बताइए, देखिए एक होता है हमारे पास ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है हमारे पास एंटी साइक्लोन, दोनों में आपको पता होना चाहिए डिफरेंस। नहीं पता, चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता तो हम बता देंगे आपको, डोंट वरी। देखिए जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, टाइप्स एक हमारे पास देखिए साइक्लोन और एक होता है हमारे पास एंटी साइक्लोन, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में आपको अगर क्लियर है तो आपको अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉब्लम हो जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नहीं मालूम है सर, वह कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका जो देखिए दो पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे बच्चों, एक होता है हमारे पास साइक्लोन प्रेसिपिटेशन और एक होता है हमारे पास एंटी साइक्लोन क्या होता है हमारे पास प्रेसिपिटेशन होता है। अब आप जब यहाँ पे देखेंगे ना, जब साइक्लोन के रिस्पेक्ट में आप देखते हैं तो साइक्लोन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या देखते हैं, लो प्रेशर जोन ऑफ एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन होता है। ध्यान समझ लीजिए, एग्जाम में हमारे पास क्या दे रखा है, साइक्लोन इन ए नॉर्थन हेमिस्फीयर, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है, नॉर्थन हेमिस्फीयर। अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर की जगह पे बच्चों क्या होता, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आएगा हमारे पास साइक्लोन,
साइक्लोन नॉर्थन हेमिस्फेयर, ये वाला ऑप्शन कब करेक्ट आएगा बच्चों, साइक्लोन ये हमारे पास हो जाएगा साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है ना। ये वाला जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा एंटी साइक्लोन, ठीक है ना, एंटी साइक्लोन। और इसमें आ जाएगा हमारे पास सेम एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थन हेमिस्फेयर में, और ये हो जाएगा हमारे पास साइक्लोन, साइक्लोन साउथ हेमिस्फेयर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट इसमें, लो प्रेशर जोन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब सपोज मान लीजिए दिस इज द लो जोन, और यहां से कैसे होगा एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा बच्चों, रोटेशन होगा, कौन से में होगा हमारे पास, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। आपको पता है हमेशा हाई प्रेशर से किधर की तरफ होता है, जैसे दिस पॉइंट पे यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, लो प्रेशर है, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होता है, मूवमेंट होता है, बट उसका डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहां से देखिए ये हमारे पास ये वाला कैसे है हमारे पास, दिस वन इज व्हाट, ये हमारे पास कैसा है, ये हमारे पास कैसा जगह, दिस वन इज द एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये हमारे पास ये किसको बता रहा है, लो प्रेशर जोन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को बता रहा है। ये अगर हमारे पास दूसरा होता तो उसमें क्या है, आउटवर्ड, ये पॉइंट आपने ध्यान दे रहा, इसमें जो है ना जो रे ये सब किधर की तरफ मूव कर रहा है, इनवर्ड, कैसे मूव कर रहा है ये बच्चों, इनवर्ड मूव कर रहा है, ये पॉइंट आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन को बताओ, क्वेश्चन नंबर 27 इसमें एक हम आपको डेकेंस फॉर्मूला प्रिडिक्ट मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज ओ इन टर्म्स ऑफ द एरिया एंड एंड द कोफिशियंट क्या हमारे पास सी एस, हमारे पास जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था ना क्यू इक्वल टू क्या था बच्चों हमारे पास सी डी और ए की पावर क्या था बच्चों एन था, इस तरीके से, इस तरीके से था हमारे पास द वैल्यू ऑफ द सी, इस तरीके का हम लोगों ने देखना था द वैल्यू ऑफ द सी। चलिए बता देते हैं एक बार सुमन, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से हम लोग आपको बता देते हैं। एक्चुअल में देखिए इन्होंने यहाँ पे ना एक क्वेश्चन थोड़ा गलत तरीके से पूछा है, ठीक है ना, इन्होंने क्वेश्चन इस तरीके से पूछना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने एक एन का वैल्यू देना चाहिए एन, इस तरीके से एन, ठीक है ना, और इन्होंने वैल्यू किसका पूछना चाहिए हमारे को, यहाँ पे सी का वैल्यू ना पूछ करके इन्होंने एन का वैल्यू पूछना चाहिए। एक्चुअल में क्वेश्चन ये होगा हमारे पास, तो क्यू इक्वल टू सी डी ए की पावर एन, ठीक है, तब हमारे पास ऑप्शन हमारे क्या बनेंगे बच्चों, सही बनेगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यस ओके, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देखिए द डेकेंस फॉर्मूला प्रेडिक्ट मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज, ठीक है, इसका आपको सबको आंसर आना चाहिए, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, डी आएगा, डी। प्रेशर डिफरेंस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, बताइए क्या होगा, ये ट्रू होगा या फिर हमारे पास फॉल्स होगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स।
जल्दी से बताइए। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय लिफ्टिंग ऑफ एन एयर मास ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, ट्रू और फॉल्स? यस, दिस वन इज द ट्रू। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? ट्रू आएगा, TRUE, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए, द कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ठीक है, यहां पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के जो प्रेसिपिटेशन उनको देख रहे हैं। कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन इज ड्यू टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर दैट इज वार्मर देन इट्स सराउंडिंग। तो ये हमारे पास ट्रू है या फिर रॉन्ग है? दिस वन इज द ट्रू और रॉन्ग, नो आइडिया। तो आइडिया ये है हमारे पास विवेक कि जो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता है वो किसके कारण होता है? वो प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये स्टेटमेंट क्या हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन इज ड्यू टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर दैट इज वार्मर देन इट्स सराउंडिंग्स। अगर सराउंडिंग का एरिया, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बच्चों क्या होगा हमारे पास? ट्रू। ठीक है, दिस पॉइंट इज आल्सो ट्रू। नेक्स्ट पढ़िए, ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय एयर मासेस व्हिच स्ट्राइक सम नेचुरल टोपोग्राफिकल बैरियर लाइक माउंटेन्स। बोलिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और रॉन्ग? तो ये स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों हमारे पास? दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो देखिए, अगर आपने टाइप्स ऑफ रेनफॉल नहीं पढ़ा है तो आप यहां से पढ़ सकते हैं इसी वे में। ठीक है ना, तो साइक्लोन प्रेसिपिटेशन, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन और एक और होता है हमारे पास बच्चों, वो होता है फ्रंटल। कौन सा होता है? प्रेसिपिटेशन होता है। राजू कुमार, स्टेटमेंट टू का हिंदी, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन इज ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट। देखिए, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन उस प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन को बोलते हैं, जैसे हमारे पास दो एयर है, ठीक है, एक कोल्ड मास है और एक हमारे पास क्या है, जो हमारे पास क्या है, हॉट, या हम लोग कह सकते हैं जो मतलब हॉट कह सकते हैं, हॉट मास है। तो जो हॉट मास क्या करता है, ऊपर की तरफ क्या कर जाता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। वो क्यों करता है? उसके सराउंडिंग क्या है हमारे पास, मतलब क्या है वहां पे, वो वार्मर है। वार्मर का मतलब गर्म होना, सराउंडिंग, उसके चारों तरफ क्या सराउंडिंग। जैसे समझने की कोशिश करिए, जैसे दिस इज द सन, ठीक है, ये सन है, ये हमारे पास कोई भी वाटर सोर्स है, यहां से क्या आ रही है, रेज आ रही है, इस तरीके से ये रेज आ रही है। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझना, जैसे यहां से वाटर क्या कर रहा है, इवेपोरेट फॉर्मेट में जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ये हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या बच्चों, ये हमारे पास कैसा हल्का सा वार्म टाइप में है ना, जो हमारे पास ये वार्म है, और दूसरा अगर हमारे पास जैसे देखिए कोल्ड है, तो ध्यान से समझिए, कोल्ड वाला तो यहीं पे रहेगा, जो वार्म वाला होता है ये अपवर्ड चला जाता है। ठीक है, वार्म वाला क्या होता है, अपवर्ड चला जाता है, बिकॉज रीजन क्या होता है, ये लाइट होता है कंपेरिजन टू दिस। ठीक है, इसके कंपेरिजन में लाइट होता है, ये हैवी होता है, ये नहीं मूव करता है, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। जब ऊपर की तरफ मूव करता है तो वहां पे जाकर के क्या करता है, फिर वो धीरे धीरे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, जिस तरीके से हमारे पास क्या होता है, रेनफॉल होता है, वापस वो किसमें, प्रेसिपिटेशन के फॉर्मेट में आता है। तो सिंपल सा मतलब है कि जब उसका सराउंडिंग क्या रहेगा, ये वाटर कब जा रहा है, जब इसका सराउंडिंग क्या हॉट है, ये इससे टकरा रहा है, टकराने के बाद ऊपर जाएगा ना, पर इसका जो खुद का नेचर है वो सारा कैसा है, वो वार्म है, सराउंडिंग इसके कैसा है, थोड़ा सा हीट है, इसलिए वो क्या करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है हमेशा। अगर दो मास है हमारे पास, एक कोल्ड मास है, दूसरा हॉट मास है, तो हॉट मास ही क्या करता है, अपवर्ड मूव करता है ड्यू टू लाइट, क्योंकि वो क्या होता है, हल्का होता है। नेक्स्ट है, ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय द एयर मास व्हिच स्ट्राइक सम नेचुरल फीचर्स। आपने देखा है कि कोई भी पहाड़ या उन सबसे टकरा करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है, इस तरीके से बादल बह रहे हैं, ठीक है, तो ये सब क्या करके इससे टकरा करके ऊपर तक चले जाते हैं, सेम प्रोसेस होता है, सब में कंडेंसेशन होता है जाकर के, और वो फिर से किसमें आ जाता है, रेनफॉल के रूप में नीचे आके चला जाता है। फोर्थ पॉइंट इज इन थीजन मींस मेथड, थीजन मीन मेथड, द इंटायर एरिया इज डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ द रेक्टेंगल्स। ये गलत स्टेटमेंट है, दिस इज द फॉल्स, दिस वन इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके बच्चों, ये हमारे पास कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। फोर्थ का हमारे पास क्या है, फॉल्स है। बाकी सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन एंड साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। एनी डाउट? और इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब आप दो और क्वेश्चन है, इनको और बता दीजिए जल्दी से, फिर हम लोग अपने थ्योरी पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, बताइए कंटूर्स ऑफ द इक्वल रेनफॉल, बताइए क्या आंसर आएगा। यहां पे हमारे को ऑप्शन भरना है, आर द कंटूर्स ऑफ इक्वल रेनफॉल, बताइए क्या आंसर आएगा। इसके पे हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसको हम लोग पढ़ेंगे आइसोहाइट्स,
आइसोहाइड्स जो हमारे पास होता है, और आइसोक्रोन्स आर कंटूर, ये इस तरीके के हमारे पास छोटे छोटे ऑप्शंस थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जगह पे हम लोग ऑप्शंस पढ़ते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगा है, नो डाउट होता है, इजी इजी करा देंगे वो तो आपको आते हैं ना, एबीसीडी लगाने के लिए थोड़ा ना हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। थोड़ा सा अगर ये सारा फॉर्मेट हम आपको दे भी रहे ना कि अब अपना एक बार बैठ करके दोबारा से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आपको कोई भी डाउट आए आप आराम से क्या कर लेना, पूछ लेना हमको। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हाँ बिल्कुल सही है मुस्कान, आइसो हाइट लाइन्स होता है, आइसो हाइट, ठीक है ठीक है। थीजर मीन मेथड क्या है? थीजर मीन मेथड, थीजर पॉलीगन मेथड जो होता है बच्चों, थीजर मीन मेथड मतलब यहाँ पे थीजर पॉलीगन मेथड के रिस्पेक्ट में वो बात कर रहा है। ठीक है, थीजर पॉलीगन मेथड में आपने देखा ना, जब भी हम लोग किसी भी, एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है P1A1 प्लस P2A2 प्लस P3A3 भाई, हमारे पास क्या होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 की हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होता है बच्चों, दूसरा हमारे पास क्या होता है, हम लोग उस एरिया को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। जब हम उस एरिया को डिवाइड करते हैं तो वहां पे जो हमारे पास पॉलीगन्स बनते हैं, अब वो जरूरी नहीं कि वो हर बार रेक्टेंगल्स बनेंगे, वो वहां पे ट्रायंगल भी बन सकता है, वो कोई भी पॉलीगन कोई भी बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए उसका ये हमारे पास 15 फिर से बता दीजिए, ये हमारे पास है सेल्फ रिकॉर्डिंग रेंजेस, रिकॉर्डिंग द क्लाउड कवर, रिकॉर्ड्स द स्नो मेल्ट, रिकॉर्ड्स द रेनफॉल इंटेंसिटी, रिकॉर्ड्स द कम्युलेटिव डेप्थ ऑफ द रेनफॉल। तो बच्चे इसका जो आंसर है ना, देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है, यहाँ पे जो सेल्फ रिकॉर्डिंग रेंजेस जो होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे को किसको बताते हैं, वो कम्युलेटिव डेप्थ ऑफ रेनफॉल को बताते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना मास कर्व, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ही था, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था मास कर्व के बारे में, तो ये उसके बारे में हमको बताएगा। चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट, अब हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है, तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं, ये पीडीएफ ऑलरेडी हमने आपको दे दिया है, अब यहां से हमारा फास्ट रिवीजन हो जाएगा, ये हमारा क्या दे रखा सिलेबस दे रखा है। चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं अच्छे से, क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, फिर से एक बार सॉल्व करिए, डाउट होगा हम लोग फिर से क्या कर लेंगे बच्चों, डिस्कशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वहां पर फिर से हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 26, एकलव्य शर्मा क्या हुआ, इसमें आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहा है बताइए, इसमें आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताइए। बता देते हैं एक सेकंड, ओके
ओके ओके देखिए एक एक मिनट इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मेरे को थोड़ा सा ना आप टाइम दे दीजिए, कल वाली क्लास में ना मैं आपको बता दूंगा इसको दोबारा से। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन हम लोग जैसे देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे एक हमारे पास जैसे थोड़ा सा डाउट ये हो सकता है आपको, क्या कहते हैं एंटी साइक्लोन, ठीक है, एंटी साइक्लोन और साइक्लोन, ठीक है, जैसे हमारे पास साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको आ रहा होगा डिफरेंस कि ये हमारे पास साइक्लोन है या फिर एंटी साइक्लोन। जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे पास हुरिकेन इज द एग्जांपल ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है हमारे पास। इस क्वेश्चन को आप एक थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, कल हम आपको दोबारा से और अच्छे से इसको ना एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा अगर डाउट हो सकता है तो यहाँ पे हो सकता है ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम लोग एंटी साइक्लोन में कंसिडर करेंगे या साइक्लोन में कंसिडर करेंगे, पर जो हमने यहाँ पे लिखा है ना ये मैंने बिल्कुल सही लिखा है, एंटी साइक्लोन, साइक्लोन, साइक्लोन और ये हमारे पास है। साइक्लोन में हमारे पास लो प्रेशर जोन से एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होगा तो उसको हम लोग साइक्लोन नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं। लो प्रेशर जोन में जो हमारे पास होता है वो साइक्लोन कौन सा होगा, साउथ हेमिस्फीयर होगा। कल के क्लास में हम लोग इसको आपको दोबारा से बता देंगे, ठीक है, इसको हम लोग दोबारा से बता देंगे। इसमें थोड़ा सा हमको मतलब डाउट हो सकता है जब आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन को इसका मतलब एंटी साइक्लोन में कंसीडर किया, दैट्स व्हाई तभी हो सकता है, ठीक है, इसको हम लोग कल वाली क्लास में दोबारा बता देंगे, डोंट वरी। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे बच्चों, ये हमारे पास आता है थ्योरी, फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी है जो हमने पढ़ा है यहाँ पे, इरीगेशन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे सारा पॉइंट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई पॉइंट में अगर डाउट है तो हम लोग उस पर क्या कर सकते हैं, आराम से ही कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, यही होता है। चलिए वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए ध्यान से पढ़िए, इसमें हम लोग जो थ्योरी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, थ्योरी हमारे पास है इरीगेशन इंजीनियरिंग। इरीगेशन इंजीनियरिंग मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ द सप्लाई वाटर टू लैंड बाय आर्टिफिशियल मैन मेन फोर पर्पज द कल्टिवेशन। देखिए इरीगेशन का मेन पर्पज क्या है बच्चों, इरीगेशन का जो मेन पर्पज है वो हमारे पास है कि हमारे पास जो भी वाटर है, वाटर मतलब समझ सकते हैं आप, जैसे कि कोई भी हमारे पास क्या बच्चों रिवर है या कोई भी हमारे पास जैसे कि कैनाल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे फील्ड्स है हमारे पास जहां पे हम लोग ग्राउंड वाटर को जनरली क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, या फिर हमारे क्या करना है इस रिवर वाटर को यहां तक पहुंचाना है, ठीक है, रिवर वाटर को हमने यहां तक पहुंचाना है, इस फील्ड तक पहुंचाना है। तो जिस प्रोसेस से या जिस मेथड से हम लोग पहुंचा रहे हैं उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इरीगेशन इंजीनियर कह रहे हैं। इरीगेशन में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ द सप्लाइंग वाटर कि हम लोग किस तरीके से लैंड तक आर्टिफिशियल में, आर्टिफिशियल अब आपको पता है कि रिवर के वाटर को डायरेक्ट तो नहीं पहुंचा सकते, अब लोग हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कैनाल बनाएंगे। जो कैनाल हमारे पास होता है कंस्ट्रक्शन में बच्चों, यही हमारे पास क्या कहता है, ये हमारे पास होता है आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होता है, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, मैन मेड स्ट्रक्चर कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं हम लोग इसको, मैन मेड स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है, मैन मेड स्ट्रक्चर मतलब किसी भी ऐसे वाटर को किसी जगह तक पहुंचाना जहां पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग। अब देखिए पर्पस क्या है, सिर्फ ओनली एंड ओनली कल्टीवेशन नहीं होता है, कल्टीवेशन तो हमने इसलिए लिखा हुआ है, आपको पता होगा जब भी कोई डैम बनाया जाता है या कोई भी अगर आप हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो उसके हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे वेरियस यूजेस होते हैं। क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, जैसे देखिए हम लोग वहां पे पावर जनरेशन कर सकते हैं, हम वहां पे क्या कर सकते हैं, पावर जनरेशन मेन होता है, वाटर सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, वाटर को जो हमारे पास जिस टाइम पे रेनफॉल नहीं होता है उस टाइम पे हम लोग उस वाटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज पॉइंट द नेसेसिटी फॉर ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन की नेसेसिटी क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों,
ये हमारे पास हो जाएगा इनएडिक्वेट रेनफॉल। जब बरसात एक प्रॉपर मैनर में नहीं होता है तो उस टाइम पे हमको इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री में रेनफॉल इसकी इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बताओ इन विच कंट्री, मतलब कौन सी कंट्री है जहां पे आपको इरिगेशन की क्या नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताते चलिए, किस कंट्री में रेनफॉल की जरूरत नहीं है बच्चों? इंग्लैंड, वेरी गुड। इंग्लैंड जो कंट्री है उसमें बच्चों रेनफॉल की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखते जाइए आप, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इंडिया में अब क्या होता है, अनइवन मतलब ज्यादातर कंट्रीज में अनइवन डिस्टरबेंस ऑफ द रेनफॉल है। देखिए फार्मर्स को रेन की कब जरूरत है, जब उसको सोइंग करना होता है किसी भी क्रॉप को, अगर उस टाइम पे उसको रेनफॉल होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, डिपेंड ऑन क्रॉप्स भी करता है कि हम लोग कौन से क्रॉप्स को बच्चों लगा रहे हैं, ठीक है ना, कौन से क्रॉप्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ये उस चीज पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोइंग ए नंबर ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग ए ईयर। जैसे देखिए अगर आप राजस्थान की बात करेंगे, वहां पे ओनली वन क्रॉप्स लगाई जाती है, ज्यादातर राजस्थान में जाएंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई वहां पे क्या है, सूखा की प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे जनरली हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक ही क्रॉप को लगाते हैं। क्यों लगाते हैं एक क्रॉप को हम, क्योंकि वहां पे पानी की क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो एक ही फसल पे क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। अगर हमारे को ग्रोइंग करना है जैसे नंबर ऑफ क्रॉप्स को, अगर आप पंजाब का एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, वहां पे एक साल में 3 crops उगाई जाती है, 3 times क्रॉप्स को क्या किया जाता है, उगाया जाता है 3 times। अब 3 times अगर क्रॉप को उगा रहे हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब वहां पे वाटर क्या है, अवेलेबल है। अगर वाटर इजिली अवेलेबल नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए इस पॉइंट को हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, ग्रोइंग सुपीरियर क्रॉप। अगर हमारे को हाई प्राइस क्रॉप को क्या करना, उगाना है, तो फिर हमारे को किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, यहाँ पे इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ द इरिगेशन। आप बताइए इरिगेशन के क्या बेनिफिट्स होंगे। तो इरिगेशन के हम लोग यहाँ पे बेनिफिट्स देख रहे हैं कि कौन कौन से हमारे पास बेनिफिट्स हैं इरिगेशन के, तो देखते चाहिए यहाँ पे। फर्स्ट वन इज द इंक्रीज इन क्रॉप यील्डिंग। अगर हमारे को क्रॉप का यील्डिंग या उसके प्रोडक्शन को क्या करना बच्चों, इंप्रूव करना है, ठीक है। इंक्रीज इन क्रॉप यील्डिंग क्या करना है, अगर हमने उस प्रोडक्शन को इंप्रूव करना है या उसको बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, टाइम टाइम पे इरिगेशन करना पड़ेगा। अब आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जो 3rd chapter आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे हमारे पास कैसे होता है, इस तरीके का होता है, इस तरीके का आपने देखा होगा, यस और नो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बच्चों, यील्डिंग होता है, दिस इज वन इज द यील्डिंग एंड दिस वन इज द हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, मॉइस्चर्स हो जाएगा, ठीक है। मॉइस्चर्स के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, जैसे मॉइस्चर्स कम है तो यील्डिंग कम होगा। इस पॉइंट पे, इस मॉइस्चर्स पे क्या होता है, हमको हाई यील्डिंग मिलता है, यस नो। और इस मॉइस्चर्स पे हमारे पास क्या होता है, देखिए अगर वाटर को आप ज्यादा कर देंगे तो वहां पे क्या होता है, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम होता है। जैसे जैसे वाटर का कंटेंट बढ़ता जाता है, वाटर अगर आप ज्यादा लगाएंगे तो यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम होने लग जाता है बच्चों, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम होता है। किसका प्रॉब्लम होता है, वाटर लॉगिंग, ठीक है। दिस पॉइंट इज, ये पॉइंट आपने याद रखना है, वाटर लॉगिंग। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 पानी है, ठीक है, यहाँ पे कोई वाटर नहीं है। धीरे धीरे हम लोग वाटर की क्वांटिटी को बढ़ाते जा रहे हैं तो यील्डिंग भी धीरे धीरे क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोई भी बता सकता है। एट दिस पॉइंट जो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट होता है, इस मॉइस्चर कंटेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बताइए जल्दी से, आप सभी को पता होना चाहिए। यस, लाइफ स्टाइल इज बेटर। बिहार में 4 crop कौन सा उगाते हैं, सुमन कुमार सिंह कौन से 4 crop उगाते हैं बताइए, ये तो पहली बार सुनने में मिल रहा है, जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन से क्रॉप हैं, फिर हम लोग उसका ड्यूरेशन भी बनाएंगे टाइम बैठ करके। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फॉर द फेमाइन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द कल्टीवेशन इज सुपीरियर क्रॉप, ठीक है। दीज आर द अवर बेनिफिट्स। इलिमिनेशन ऑफ द मिक्स क्रॉपिंग, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग का मतलब क्या है, देखिए जब पानी की कमी रहती थी तो हम लोग एट ए टाइम 2 या 2 से ज्यादा क्या करते थे,
दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ क्या करते थे, लगाते थे। तो जैसे हमारे पास इरिगेशन की अगर पूरी सुविधा हो जाती है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इलिमिनेशन करते हैं कि हमने दो क्रॉप्स को नहीं लगाना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द जनरेशन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन। जैसे अगर आपने कोई भी, ये हमारे पास कैनाल पे आपने क्या बना दिया, कोई भी डैम बना दिया, तो इस डैम में यहाँ पे क्या बनाते हैं बच्चों, एक रिजर्वायर बनाते हैं। इसके लिए हमारे पास है अपस्ट्रीम साइड, दिस वन इज द डाउन स्ट्रीम साइड। तो इसके अपस्ट्रीम साइड में हम लोगों ने क्या बना रखा है, एक डैम बना रखा है, रिजर्वायर है। इस रिजर्वायर में हमने बहुत सारे वाटर को कलेक्ट कर रखा है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट लगा करके, और जो हमारे पास क्या इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते थे। ये उसका एक मेन पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। तो जो हमने यहाँ पे रिजर्वायर बना रखा है बच्चों, इस रिजर्वायर की हेल्प से, रिजर्वायर ठीक है, इस रिजर्वायर की हेल्प से वाटर को हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और जो हमारे पास कोई भी इंडस्ट्री है ठीक है, इंडस्ट्री के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, वाटर का यूज करते हैं। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप जब आप सिक्स सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे जो भी हमारे पास क्या है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, उसके लिए हम लोगों को अलग अलग वाटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो उस केस में हम लोग देख करके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज। वेरी गुड, इंक्रीज इन द ग्राउंड वाटर स्टोरेज। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, अगर वाटर टेबल हमारा क्या है बहुत नीचे चला गया है, ठीक है, अगर वाटर टेबल हमारे पास क्या है नीचे चला गया, बहुत ज्यादा नीचे, आप लोगों ने पढ़ा होगा परकुलेशन टैंक, यस और नो। परकुलेशन टैंक का काम क्या होता है, इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर टेबल स्टोरेज। तो हमने जगह जगह पे क्या करके परकुलेशन टैंक बना करके भी, जहां पे ग्राउंड वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, और ग्राउंड वाटर टेबल को धीरे धीरे हम लोग ऊपर की तरफ क्या कर सकते हैं, अपवर्ड कर सकते हैं, उसका मूवमेंट देख सकते हैं। सपोज दिस इज द ग्राउंड सर्फेस, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड सर्फेस। पहले वाटर टेबल यहाँ था, अब हमने कैसे हो सकता है, यहाँ पे हमने वाटर को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। जब फ्री है तो उस टाइम हम लोग वाटर को स्टोर कर सकते हैं, ये धीरे 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 करके ऊपर की तरफ क्या करता है, मूवमेंट करता है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप्स क्या कर सकते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स का मतलब है, अगर किसी क्रॉप को सपोज 5 times वाटरिंग की रिक्वायरमेंट है, सपोज हाउ मेनी टाइम्स बच्चों, 5 times अगर किसी क्रॉप को वाटरिंग की जरूरत है, अगर आप उसको 5 times क्या करते हैं वाटरिंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या जाता है, डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप होता है, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप समझ सकते हैं। सर मक्का, खीरा, मटर, फिर मक्का, 3 होता है, वीट, राइस, दाल। ये जो स्वदेशी चिकित्सा, इन्होंने सही बोला है। और सुमन आप मार पूरा मक्का मटर खीरा यही सब लगाते रहिए, ये सब किस में आएगा, एक ही बार में उगाएंगे कि पूरे साल भर यही करते रहेंगे, बताओ। अरे ऐसे नहीं होता है, थोड़ा बहुत फ्रूट्स भी खाइए, ठीक है, क्या कहते हैं फाइबर्स खाने में, आपको फैट और ये सब भी लेना है। नेक्स्ट है फैसिलिटीज ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात है हमारे पास इनलैंड नेविगेशन, जैसे आपने देखा है नौका बिहार के लिए, ठीक है, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, एक पॉइंट और आप देख सकते हैं, जो हमारे पास क्या है वाटरवेज, ठीक है, यहाँ पे हम लोग वाटरवेज के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं। वाटरवेज जो हमारे पास है वाटरवेज, ठीक है, वाटरवेज के रिस्पेक्ट में भी हम लोग देख सकते हैं। एक होता है हमारे पास एफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे छोटे छोटे क्या लगा करके, जहां पे हमारे पास क्या है जो कैसा है डेजर्ट एरिया है, वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पानी देंगे ये सब देंगे तो वहां पे थोड़ा थोड़ा घास फूस ये सब उगने लगेगा, तो उस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थे, दीज आर द एडवांटेज, ठीक है, दीज आर द बेनिफिट कह सकते हैं, या फिर आप एडवांटेज कह सकते हैं इसके, इरिगेशन के। आप इतने सारे पॉइंट लिख करके आएंगे, आपको पूरा अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द इरिगेशन। अगर आप खुद देखिए, अगर जितना हमारे को रिक्वायरमेंट है, अगर वहां पे बहुत ज्यादा वाटर अगर आपको काफी टाइम तक खड़ा रह गया, ठीक है, अगर ज्यादा देर तक वाटर वहां पे रह जाता है, तो उसके कारण क्या होता है बच्चों, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम होता है। अब आप सबको समझ में आ रहा होगा वाटर लॉगिंग क्या होता है। तो देखिए, जो हमारे पास ग्राउंड सर्फेस है, इसके अंदर क्या हमारे पास सॉइल है, अब इस सॉइल में जो वॉइड्स है, समझ रहे हैं, इसमें
अगर इन वॉइड्स में कंटिन्यूसली एक लॉन्ग टाइम तक क्या रहता है, वाटर रहता है, तो बच्चों यहाँ पे किसका प्रॉब्लम होगा, एयर का प्रॉब्लम होगा। किसका प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, एयर का प्रॉब्लम होगा, सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। अगर सर्कुलेशन नहीं होगा तो जो भी हमारे पास प्लांट्स है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये कोई प्लांट्स है, ये धीरे धीरे क्या करने लगेंगे बच्चों, सब डाई करने लगेंगे, सब मरने लग जाएंगे। तो ये किसी कारण होता है, ड्यू टू द वाटर लॉगिंग। और वाटर लॉगिंग किसी कारण होता है बच्चों, जब ओवर इरीगेशन होता है। ओवर इरीगेशन का मतलब क्या हुआ, आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आज आपने वाटरिंग किया और उसी ही दिन क्या हो जाता है, रेनफॉल हो जाता है। तो ये किसके एग्जाम्पल में आ जाता है, ये ओवर इरीगेशन के टर्म्स में आ जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? जैसे आप लोगों ने देखा होगा फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, तो उस पूरे एरिया में काफी टाइम तक वाटर रहता है, तो उसको हम लोग किसमें बोलते हैं, हम लोग वो वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम में ही उसको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अनहेल्दी क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर मॉस्किटोज, जो हमारे पास वहां पे क्या होते हैं, बहुत सारे मच्छर ये सब का क्या होना है, जन्म होने लग जाता है। पॉल्यूशन ऑफ द रिवर फ्लो एंड ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, वहां पे हमारे पास क्या बच्चों, मार्सी लैंड, दल दल जमीन होने लग जाती है, दल दल, ठीक है, इस तरीके का हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर बॉर्न डिसीजेस, जो भी पानी पीने से जो डिसीजेस होती हैं वो सारी यहाँ पे क्या हो लगती हैं, होने लग जाती हैं। तो ये दीज आर द डिसएडवांटेज, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम, अनहेल्दी क्लाइमेट, ठीक है, पॉल्यूशन ऑफ रिवर फ्लो एंड ग्राउंड वाटर, मार्सी लैंड और वाटर बॉर्न डिसीज। तो ये आप सारे पॉइंट क्या कर सकते हैं, वहां पे लिख सकते हैं। इल इरीगेशन को, हाँ इल इरीगेशन, यस इल इरीगेशन भी इसका क्या है, एग्जाम्पल है। हाँ बिल्कुल सही बात है अमित कुमार, प्लांट लगाना, वेरी गुड, यस सौरभ सिंह, वेरी गुड, सॉइल इज गोइंग टू इल इरीटेड, बिल्कुल सही बात है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं। इल इरीटेड का मतलब क्या होना, वहां पे किसका ना होना, एयर का ना होना, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इल इरीटेड। चलिए ये हमारे पास हो गए बच्चों। अब देखिए हमने नेक्स्ट जो देखना है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन, तो ये आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। अच्छा जैसे एक क्वेश्चन है, सिंपल सा आप क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बच्चों। इरीगेशन इज बेसिकली रिक्वायर्ड, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपने बताना इसका साथ साथ में। इरीगेशन इज बेसिकली रिक्वायर्ड इन, फर्स्ट ऑप्शन इज होमिड रीजन, सेकेंड पॉइंट है बच्चों हमारे पास सेमी होमिड रीजन या एरिड रीजन कह सकते हैं, सेमी एरिड रीजन है हमारे पास। एंड थर्ड पॉइंट इज व्हाट, थर्ड है हमारे पास एरिड रीजन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल ऑफ दिस, फोर्थ पॉइंट इज ऑल ऑफ दिस। तो बोलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताते जाइए क्या आंसर आएगा। हाँ गौरव कुमार बिल्कुल सही बात है, लॉन्ग टाइम वाटर स्टे करने से, तो इसका क्या आंसर आएगा बच्चों, इरिगेशन बेसिकली रिक्वायर्ड इन ऑल ऑफ दीज आएगा, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखा है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास इरिगेशन सिस्टम। तो ध्यान से देखिए जो इरिगेशन सिस्टम है हमारे पास, इसको हम लोग देखना चाह रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे पास बच्चों दो तरीके का, ध्यान से देखते चलिए इसमें, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा इसका क्या है, इसको समझ सकते हैं हम लोग अच्छे से। जो हमारे पास इरिगेशन सिस्टम है, यहाँ पे हमारे पास दो तरीके का होता है। जैसे हमारे पास है, एक है फ्लो बाय ग्रेविटी, जैसे हम लोग कहेंगे फ्लो इरिगेशन, कौन सा बच्चों, फ्लो इरिगेशन। एंड सेकंड वन इज द लिफ्ट इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन एंड सेकंड व्हाट इज द लिफ्ट इरिगेशन। तो जल्दी जल्दी से आप बताइए व्हाट इज द फ्लो इरिगेशन, जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताइए व्हाट इज द फ्लो इरिगेशन एंड व्हाट इज द लिफ्ट इरिगेशन। यहाँ पे जो वाटर फ्लो करता है ना बच्चों, वो किस में करता है, वाटर फ्लो अंडर द ग्रेविटी, ठीक है ना, अंडर द ग्रेविटी,
अंडर द ग्रेविटी होता है। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिए, वाटर सोर्स का जो लेवल होता है वो क्या होता है, हायर होता है फील्ड के लेवल से। क्लियर हो गया पॉइंट। यहाँ पे जो वाटर सोर्स होता है वो हायर पोजीशन पे होता है कंपेयर टू फील्ड। और लिफ्ट इरिगेशन में जो बच्चों क्या होता है, वाटर फ्लो, ठीक है ना, वाटर फ्लो अगेंस्ट 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 द ग्रेविटी ग्रेविटी। इसमें क्या होता है, इसमें जो वाटर सोर्स का लेवल होता है वो डाउन होता है कंपेयर टू फील्ड, जहां पे आपने वाटर को पहुंचाना है। समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, सपोज दिस इज द सोर्स ऑफ द वाटर, सपोज दिस इज द, हमारे पास क्या बच्चों, सोर्स ऑफ द वाटर, सोर्स ऑफ वाटर। और बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या, सपोज दिस इज द फील्ड, इस तरीके का है। तो देखिए यहाँ पे वाटर है, अब ये वाटर क्या है, दिस इज द चैनल, कोई भी टाइप्स हो सकता है, किसी भी तरीके से हम लोग लेकर के आ रहे हैं वाटर को। तो यहाँ पे जो वाटर फ्लो करेगा, यहाँ पे बच्चों वाटर किसमें करेगा, वाटर फ्लो अंडर द ग्रेविटी होगा, दिस वन इज द फील्ड, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है, इन केस ऑफ फ्लो इरिगेशन वाटर सोर्स का जो लेवल है वो अबव है या बिलो ऑफ द फील्ड है या सेम लेवल पे होगा। तो आप बता सकते हैं कि सर जो फ्लो इरिगेशन होता है वहां पे वाटर फ्लो अंडर द ग्रेविटी होता है, वाटर सोर्स का लेवल अप होता है, या फिर हम लोग इसका क्या कह सकते हैं, अगर हम लोग सर्वेइंग की टर्म्स में देखें तो हमारे पास कौन सा था, जो रिड्यूस लेवल होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू फील्ड। बट इस केस में बच्चों उल्टा होता है, इसमें क्या होगा, दिस इज द फील्ड, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फील्ड हो जाता है, दिस वन इज द वाटर सोर्स, ठीक है, दिस वन इज द वाटर सोर्स। तो बाय हेल्प ऑफ द पंप, यस और नो, बाय हेल्प ऑफ द मोटर पंप की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को लेकर के जाते हैं। अब देखें ग्रेविटी क्या है, डाउनवर्ड, वाटर को क्या लेके जा रहे हैं आप, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वाटर जो मूव कर रहा है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है। तो लिफ्ट इरिगेशन हमारे पास, जो हमारे पास क्या है, जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हेडपंप किसका एग्जांपल है बच्चों, वो हमारे पास लिफ्ट इरिगेशन का एग्जांपल है। जैसे रिवर फ्लो, रिवर वाटर से अगर आप डायरेक्ट इरिगेशन करते हैं तो वो सब किसमें आता है, हमारे पास फ्लो इरिगेशन में आता है। वेरी गुड, यहाँ पे दिया है वाटर फ्लो लिफ्ट अगेन अगेंस्ट ग्रेविटी, वेरी गुड। यहाँ पे इन्होंने सबने दिया मुस्कान, वाटर सोर्स आर बिलो द इरिगेटेड फील्ड, वाटर फ्लो लो एज अंडर द ग्रेविटी। और सौरभ सिंह ने बोला है वाटर इज लिफ्टेड अप बाय द सम मैकेनिकल मींस फ्रॉम द अंडरग्राउंड वाटर टेबल, वेरी गुड। जो भी हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर है, दिस इज द अंडरग्राउंड वाटर टेबल, इसको हम क्या कर रहे हैं, इस फील्ड तक लेकर के जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मैकेनिकल मींस क्या होता है, जैसे कि पंप, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पंप जो है, बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डीजल जो भी है, उस पंप की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं। वेल डोन ट्यूबवेल, ठीक है, चलिए एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं तो लिफ्ट होगा और ग्रेविटी के कारण फ्लो होगा। चलिए तो यहाँ तक आपको क्लियर पॉइंट हो गए, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि जो हमारे पास फ्लो इरिगेशन है बच्चों वो हमारे पास कैसा होगा, फ्लो बाय ग्रेविटी, फ्लो इरिगेशन, फ्लो अगेंस्ट बाय ग्रेविटी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं, लिफ्ट बाय द पंप से। इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पे लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट बाय, ठीक है, लिफ्ट बाय बाय हेल्प ऑफ पंप सेट, पंप सेट, जो भी पंप सेट लगाते हैं, यस और नो। आपको पता होगा फार्मर्स को क्या होता है, डीजल पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिसिटी इन सब की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पे लिफ्ट इरिगेशन का क्या करता है, वो उसका यूज कर रहा होता है। तो ये पॉइंट आपको क्या रखने बच्चे, याद रखने। और जैसे हम लोग फ्लो इरिगेशन का भी आगे क्या देखते हैं, इस फ्लो इरिगेशन का हमने एक टेबल बना रखा है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। फ्लो इरिगेशन अगर एग्जाम में सिंपल सा पूछा जाता है, फ्लो इरिगेशन, फर्स्ट आपने डेफिनेशन बताना बच्चों, कि डेफिनेशन जो अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे जो वाटर फ्लो करता है वो अंडर द ग्रेविटी करता है। उसके बाद में अगर आप इसका देखेंगे जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, पहला होता है पेरिनियल, 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 और सेकेंड जो हमारे पास होता है बच्चों वो होता है फ्लड इरिगेशन। हम लोग ये देखिए तो तीन नाम से जानते हैं, फ्लड इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड इरिगेशन, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड इरिगेशन। और नेक्स्ट हमारे पास इसी को ही हम लोग बोलते हैं और है ये सब के, इनंडेशन, इनंडेशन इरिगेशन,
दीज आर द टाइप्स ऑफ द फ्लो इरिगेशन होता है। ये दो तरीके का होता है बच्चों, एक होता है हमारे पास पेरिनियल इरिगेशन जो थ्रू आउट द ईयर होता है, वाटर उस सब पे क्या है अवेलेबल है। एक होता है फ्लड इरिगेशन, जब बरसात होगी बहुत ज्यादा फ्लड आएगा उस टाइम पे जो हमारे पास होता है अनकंट्रोल्ड, तो आपको पता है फ्लड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई ये हमारे पास होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट है पेरिनियल फ्लड इरिगेशन या अनकंट्रोल्ड इरिगेशन या फिर क्या हो जाएगा अनडेशन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देखिए, जो पेरिनियल इरिगेशन है इसको हमने आगे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। वो हमारे पास होता है डायरेक्ट इरिगेशन, फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट इरिगेशन। ठीक है, डायरेक्ट इरिगेशन एंड सेकेंड वन इज द इनडायरेक्ट इरिगेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट इरिगेशन, दिस इज द टेबल, डायरेक्ट इरिगेशन एंड ये हमारे पास होता है इनडायरेक्ट इरिगेशन। डायरेक्ट इरिगेशन किसका एग्जांपल है बताओ, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द डायरेक्ट इरिगेशन, और इनडायरेक्ट इरिगेशन में हम लोग किसका कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से। डायरेक्ट इरिगेशन का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास क्या है बियर, ठीक है ना, बराज, ठीक है, बियर बराज या फिर हमारे पास क्या आ जाएगा एनिकट, एनिकट जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है, या फिर रिवर रेगुलेशन वर्क जो होता है, रेगुलेशन जितना भी होता है हमारे पास, हेड रेगुलेशन, ठीक है ना, हेड रेगुलेशन, रेगुलेशन ईटीसी, इसमें हमारे पास क्या होता है जो इनकी हेल्प से जो इरिगेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इरिगेशन। और जो इनडायरेक्ट इरिगेशन होता है ना बच्चों, वो हमारे पास क्या होता है जैसे स्टोरेज वर्क, इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं स्टोरेज, STORAGE स्टोरेज वर्क जो है बच्चों हमारे पास। अब स्टोरेज वर्क में देखिए ध्यान से, जैसे कोई भी हमारे पास रिवर है, इस रिवर पे बच्चों हमने क्या बना रखा है, यहाँ पे डैम बना रखा है, क्या बना रखा है डैम। आप खुद सोचो क्या डैम से आप डायरेक्ट इरिगेशन कर सकते हैं क्या, नो आप डैम से डायरेक्ट इरिगेशन नहीं कर सकते हैं, बट आप बियर से कर सकते हैं। बियर बैराज का मेन मोटो क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बियर, बियर एंड बैराज, इसका सिंपल सा होता है स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, दीज आर द स्मॉल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दीज आर द स्मॉल स्ट्रक्चर्स कंपेयर टू व्हाट, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, डैम के रिस्पेक्ट में, या कोई रिजर्वायर आप बना रहे हैं, ठीक है ना, या फिर कोई स्टोरेज टैंक है तो उसके रिस्पेक्ट में, दीज आर द स्मॉलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं। कोई भी छोटा सा रिवर जा रहा है या कोई भी हमारे पास कैनाल जा रहा है, आपने क्या बना दिया, कोई भी एक बियर बना दिया लाइक दिस, ठीक है, कोई भी आपने इस तरीके का बियर बना दिया इस तरीके का। इसका मेन मोटो क्या है, बस इसका मेन मोटो तो यही होता है ना कि जो हमारे पास अप स्ट्रीम साइड में जो भी वाटर है उस वाटर के लेवल को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, और जो यहां से जो भी कोई भी स्ट्रक्चर जो भी माइनर पास कर रहा है, जो भी पास कर रहा है उसमें वाटर को क्या किया जा सके, अंडर ग्रेविटी पास कराया जा सके। इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं बियर, या फिर थोड़ा सा और बड़ा बना देंगे तो वहां पे क्या जाएगा बच्चों बैराज हो जाएगा। जैसे ना बैराज में सिंपल सा क्या होता है, उसमें गेट लगे रहते हैं आपने देखा होगा, परंतु जो डैम है, डैम तो क्या हमारे पास ये एक लार्ज स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दिस वन इज ए लार्ज स्ट्रक्चर, तो आपको पता है स्ट्रक्चर बनाने में कोई भी हमारे को अगर ये करना है तो कितना पैसा उसमें लगता है। तो डायरेक्ट इरिगेशन और इनडायरेक्ट इरिगेशन, डायरेक्ट इरिगेशन में हम लोग बाय हेल्प ऑफ द बियर बैराज एनिकट या फिर जो रेगुलेटर है क्रॉस रेगुलेटर हेड रेगुलेटर की हेल्प से जो इरिगेशन किया जाता है दैट इरिगेशन इज नॉन एज डायरेक्ट इरिगेशन। और जो हम लोग बाय हेल्प ऑफ द डैम बैराज डैम या फिर रिजर्वायर, दिस वन इज द रिजर्वायर, तो आपको पता है कितना वाटर इकट्ठा हो जाता है। आपको पता है जो भांगड़ा डैम पे जो है गोविंद सागर रिजर्वायर है, अगर वो बच्चे एक बार ब्रेक कर जाएगा ना तो आधा सा पंजाब डूब जाएगा। तो बताइए कोई आदमी कहेगा कि भाई तुम डायरेक्ट इसमें से इरिगेशन कर लो, तुम्हारे एक खेत की इरिगेशन के लिए वो पूरे आधे पंजाब को डुबाना नहीं चाहता है। मतलब जितने भी बड़े बड़े डैम्स होते हैं वहां पे इतना वाटर स्टोरेज होता है कि अगर वो ब्रेक कर जाएगा तो बहुत सारे एरिया को क्या कर देगा, ऐसा इरिगेट करेगा दोबारा इरिगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पता नहीं कितने साल तक। तो इसलिए जितने भी हमारे पास बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं हम उनसे कभी भी डायरेक्ट इरिगेशन नहीं करते। क्या कह रहे हैं जी, अच्छा एक मिनट पढ़ लेते हैं भाई सबके कमेंट। सर यूनिट वन आज खत्म हो करा ही दीजिएगा। चलिए पेरिनियल फ्लड, ठीक है, सौरभ सिंह, इन पेरिनियल इरिगेशन कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस वाटर सप्लाई एज एश्योर्ड थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। ठीक है, डायरेक्ट क्रॉप तक पहुंचाना, ओके क्लास होगा सर आज, अच्छा नेक्स्ट है स्टोरेज करके इनडायरेक्ट। सौरभ सिंह, बियर और बैराज इज ए वाटर होल्डर।
ठीक है, ये वाटर को होल्ड करते हैं। अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि ये वाटर को क्यों होल्ड कर रहे हैं बच्चों। इसके पीछे सिंपल सा रीजन यही है कि अगर हमारे पास कोई भी माइनर है या कोई भी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो उस स्ट्रक्चर में वाटर को क्या किया जा सके, पास किया जा सके। जब हम लोगों का 7 चैप्टर का रिविजन चल रहा होगा तो वहां पर हम लोग देखेंगे बीयर बैराज का मेन मोटो क्या है। मेन मोटो क्या है कि अप स्ट्रीम है वाटर लेवल को क्या करना, उठाना है, जिससे क्या किया जा सके, जो भी आसपास का जो भी वहां से कोई भी अगर हमारे पास चैनल पास कर रहा है तो उस चैनल में अंडर ग्रेविटी क्या किया जा सके, फ्लो किया जा सके। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ द बीयर एंड बैराज, यही हमारे पास पर्पज होता है जो हमारे पास क्या है, बीयर एंड बैराज का। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट इरीगेशन कर सकते हैं। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। इसमें किसी स्टूडेंट को डाउट यहां तक जल्दी से बताइए, एनी डाउट। चलिए, कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास लिफ्ट इरिगेशन। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट को देखते हैं। लिफ्ट इरिगेशन आप लोग 4 चैप्टर, कौन सा चैप्टर है हमारे पास, 5th 6th 6th चैप्टर में भी आप लिफ्ट इरिगेशन को पढ़ेंगे, पर वहां पे हमारे को लिफ्ट इरिगेशन के बारे में एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं पढ़ने, वहां पे हमारे को कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है ना, कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को। चलिए, चलिए देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या देखिए, लिफ्ट इरिगेशन का मतलब क्या है बच्चों, लिफ्ट इरिगेशन का मतलब होता है व्हेन द वाटर टेबल इज अप्लाइड टू द सरफेस विद द हेल्प ऑफ व्हेन द वाटर टेबल नहीं है बच्चों, यहाँ पे वाटर आएगा, व्हेन द वाटर इज अप्लाइड टू द सरफेस विद द हेल्प ऑफ पंप एंड वेल इज कॉल्ड द लिफ्ट इरिगेशन। इन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन वाटर फ्लो अगेंस्ट क्या होता है बच्चों, ग्रेविटी होता है। इन दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन इन विच इरिगेशन वाटर इज अवेलेबल एट ए लेवल लोअर देन डेट ऑफ द लैंड टू बी इरीगेटेड। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को जो हम लोग बोल रहे हैं, एक एक पॉइंट को। यहाँ पे जो वाटर अवेलेबल है, इरीगेशन वाटर इज अवेलेबल एट ए लेवल लोअर देन डेट ऑफ द लैंड टू बी इरीगेटेड। कितने हो गए पॉइंट, जिस जगह पे आपने इरीगेशन करना है, सपोज आपने यहाँ पे इरीगेशन करना है और जो वाटर लेवल है, वाटर का जो लेवल है वो इस इरीगेशन के लेवल से क्या बच्चों, कम है, मतलब लोअर पर है। ये हमारे पास हो गया वाटर और ये हो गया बच्चों हमारे पास फील्ड। यही बात तो हमने आपको बोला था पहले, जैसो नो, यही बात बोला कि नहीं बोला, यही बात हम लोग बोल रहे थे। इन दिस सिस्टम ऑफ इरीगेशन इन विच इरीगेशन वाटर इज अवेलेबल एट ए लेवल लोअर देन दैट ऑफ द लैंड to be irrigated and hence water is lifted up by the pump or the mechanical device for lifting water then conveyed to the land irrigated by the gravity flow। अब आपके समझ में आ गया यहां तक, इसमें आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए जो स्पेस छोड़ा हुआ है, डायग्राम का छोड़ा हुआ है, जो डायग्राम हमने अभी आपको ऊपर समझाया था ना लिफ्ट इरिगेशन का, वही डायग्राम आपने यहाँ पे बना करके आना है, ठीक है, डायग्राम आपने बनाना है। कोई भी डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं, सिंपल सा डायग्राम बना सकते हैं। सपोज दिस इज द ग्राउंड सरफेस, ओके, दिस इज द ग्राउंड सरफेस लाइक दिस। ये क्या हमारे पास बच्चों, ग्राउंड सरफेस है, और यहाँ पे हमने क्या बना रखा है, एक पंप बना रखा लाइक दिस। ये क्या हमारे पास पंप, ये हमारे पास क्या बच्चों, ये हमारे पास है वाटर टेबल। यहाँ पे जो वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो अगेंस्ट द ग्रेविटी, ओके, आप इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, ओके, अगेंस्ट द ग्रेविटी, वाटर फ्लो अगेंस्ट द ग्रेविटी बच्चों। और यहाँ पे हमारे पास सपोज जैसे कोई भी हमारे पास है, ठीक है, और हमने क्या करना है इसको इस तरीके से, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, फील्ड हो गया, जहां पे हमने क्या करना है इसको इरिगेट कर। तो ये हमारे पास इस तरीके का आप अच्छे से डायग्राम बना सकते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस, दिस वन इज द ग्राउंड सरफेस, ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है। चलिए, व्हाट आर द एडवांटेज, अब क्वेश्चन में क्या आएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 6 मार्क्स का, व्हाट आर द एडवांटेज एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द इरिगेशन। तो क्या एडवांटेज है बच्चों और क्या डिसएडवांटेज, ध्यान से देखिए। What are the advantage अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग कहेंगे advantage of the lift irrigation, farmers can be supply water to their field according to the requirement and hence there is no possibility of the irrigation
मतलब ओवर इरिगेशन ऑब्लिक फ्लडिंग, ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर देखिए, अगर आप फ्लो इरिगेशन कर रहे हैं, कौन सा इरिगेशन कर रहे हैं बच्चों? फ्लो इरिगेशन कर रहे हैं। फ्लो इरिगेशन का मतलब क्या हो गया, एक तरीके का डायरेक्ट आप क्या कर रहे हैं, कोई भी रिवर से या फिर कैनाल से वाटर को लेकर क्या आ रहे हैं। बट यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे तो आप ग्राउंड वाटर टेबल को यूज कर रहे हैं। किसको यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर को क्या कर रहे हैं बच्चों? यूज कर रहे हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को क्या कर रहे हैं बच्चों? यूज कर रहे हैं। इस ग्राउंड वाटर को अब आपने देखिए, जितना हमारे को रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप कह सकते हैं आप, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, जितना भी क्रॉप के लिए रिक्वायरमेंट है, आप उतने ही वाटर को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पे कभी भी क्या नहीं होता बच्चों, ओवर इरिगेशन के होने की पॉसिबिलिटीज क्या होती है? ना के बराबर होती है, जीरो पॉसिबिलिटीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? The water table is lowered when water table is lifted from the wells, thereby reducing chances of the water logging in the area. अगर water table तो क्या ऑलरेडी देखिए, water logging कब होता है? This is the ground surface, ध्यान से देखें। और ये हमारे पास क्या बच्चों? Water table है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे आप काफी टाइम तक क्या करते हैं, वाटर को आपने जैसे रह गया ड्यू टू एनी रीजन, भाई बहुत ज्यादा बरसात होता है, अगर बहुत ज्यादा बरसात होता है तो यहाँ पे वाटर क्या करेगा, कुछ दिन के लिए तो रुकेगा ना, और वो धीरे 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 करके जो भी है इस पूरे जो भी वॉइड से उन सबको क्या कर दे रहा, फिल कर दे रहा। अगर सपोज वाटर टेबल जस्ट इसके बिलो है, वाटर टेबल बच्चों क्या है, जस्ट इसके बिलो है, तो ये वाला जो एरिया है कैसा हो जाएगा? वाटर लॉक्ड एरिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वाटर लॉक्ड एरिया। अगर सपोज वाटर टेबल यहां पे ना हो करके बहुत नीचे डेप्थ पर है, सपोज यहां पर डेप्थ है, तो इस केस में क्या होगा, ये वाटर धीरे धीरे इस तरीके से नीचे जाएगा, तो उस केस में वाटर लॉगिंग के होने की पॉसिबिलिटीज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो लिफ्ट इरिगेशन का ये क्या एक एडवांटेज हो गया कि यहां पे क्या नहीं होने वाला है, यहां पे क्या नहीं होने वाला बच्चों, यहां पे क्या नहीं होने वाला है, यहां पे ये वाटर लॉगिंग नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच्चों? The water is supplied directly to the field. There is no water losses due to conveyance losses. जैसे सीपेज हो गया हमारे पास, evaporation हो गया, या फिर क्या हो गया, transpiration. These losses हम लोग यहाँ पे consider नहीं करके चलते। होता क्या है, जहां पे हमारे पास फील्ड है उससे कुछ ही डिस्टेंस पे हमारे पास क्या होता है, बोरवेल होता है, ठीक है, उस बोरवेल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उस फील्ड को क्या कर देते हैं, इरिगेटेड कर देते हैं। तो वहां पे जो हमारे पास जैसे सीपेज लॉस हो गया, इवेपोरेशन हो गया, ट्रांसपेशन, इन लॉसों के कारण जो वाटर का क्या है, वाटर को सेव किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे लॉसेस इसमें नहीं देखने को मिलते हैं। एज द लॉसेस ऑफ वाटर इज लॉस, अगर बोले लॉस होगा वाटर का कम, तो ड्यूटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, हाई हो जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर, ड्यूटी ऑफ वाटर इज हाई। रीजन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहे हैं बच्चों, लॉस कम हो रहे हैं। अगर वाटर लॉसेस आर हाई, ड्यूटी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। अब आप सभी को पता है ना, व्हाट इज द ड्यूटी, बताइए क्या होता है ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब बताइए सभी स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ड्यूटी। आपको डेफिनेशन आती है इस तरीके से, डिफाइन द ड्यूटी, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक्सप्लेन द ड्यूटी, ठीक है, इस तरीके से आप एक्सप्लेन करिए, बताइए क्या होगा। द मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है बच्चों, बहुत कम होता है। दूसरे, मोर देन वन क्रॉप कैन बी ग्रोन इन ए ईयर ऑन द सेम लैंड, कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास सिस्टम है, ठीक है, अगर वहां पे लिफ्ट इरिगेशन की पूरी व्यवस्था है, तो आप एक साल में एक से ज्यादा क्रॉप को उगा सकते हैं। अदरवाइज आपको एक ही क्रॉप उगाना पड़ेगा, उस पर भी किस पे डिपेंड करना पड़ेगा, आपको रेनफॉल पे डिपेंड करेगा, जब बरसात होगी तब जाकर के आप क्रॉप को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। बताइए सभी, बताइए ड्यूटी का डेफिनेशन बताइए फास्ट। हेक्टेयर पर एमएम, हेक्टेयर पर क्यूमेक, अरे ड्यूटी का बस इतना लिखकर कहेंगे क्या, बताओ हेक्टेयर पर एमएम या क्यूमेक इतना लिखकर कह देंगे, इसे कितना नंबर मिलेगा आपको, 0.25 नंबर मिलेगा आउट ऑफ 1। इसे डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन क्या होता है बताइए जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। मोर देन वन क्रॉप कैन बी ग्रोन इन ए ईयर ऑन द सेम लैंड। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, लॉसेस ऑफ द वैल्यूएबल लैंड इज प्रिवेंटेड एज देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन द नेटवर्क ऑफ द लैंड। तो बच्चे जो भी हमारे पास वैल्यूएबल है, वो जो जमीन अच्छी है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जितना भी हमारे पास ये क्या है कंस्ट्रक्शन होता है उन सबसे। नेक्स्ट है, वाटर कैन बी अप्लाइड टू द रिक्वायर्ड डेप्थ, जितने डेप्थ के वाटर की रिक्वायरमेंट है हम लोग उतना वाटर उसको पहुंचाएंगे। व्हेन इट इज टाइम टू इरिगेट,
high irrigation efficiency and improved methods of the irrigation like perforated pipe, sprinkler, drip irrigations can be practiced. ठीक है, तो जैसे हम लोग आप याद करें जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं बच्चों, जहाँ पे वाटर की क्या होती है प्रॉब्लम होती है वहां पे हम लोग क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। अगर हमारे पास लिफ्ट इरिगेशन का प्रॉपर सिस्टम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इन सबको क्या क्या किया जा सकता है, इनको कम किया जा सकता है, इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट बच्चों, डिसएडवांटेज ऑफ द लिफ्ट इरिगेशन, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, तो देखिए ध्यान से पढ़िए। इफ द पंप फेल एनी रीजन, अगर जिस पंप के हेल्प से आप वाटर को क्या कर रहे हैं लिफ्ट अप कर रहे हैं और जिससे आप एरिया को इरिगेट कर रहे हैं, अगर वही पंप क्या हो जाता है बच्चों फेल हो जाता है तो उस केस में क्या होगा बोलो, उस केस में क्या होगा, इफ द पंप फेल ड्यू टू एनी रीजन देन वाटर कैन नॉट बी सप्लाइड अंटिल द मैकेनिज्म इज रिस्टोर, जब तक वो पंप सही नहीं हो जाएगा बच्चों तब तक हम लोग क्या नहीं कर सकते उस एरिया को इरिगेट नहीं कर सकते। दिस इज द डिसएडवांटेज, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द लिफ्ट इरिगेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि रिवर खराब हो गया या कोई चैनल खराब हो गया, जो अंडर ग्रेविटी फ्लो करता है वहां पे ऐसा नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन पॉइंट क्या बच्चों, ग्राउंड वाटर हैज नो सिल्ट कंटेंट सो इफेक्ट द सोलिंग ऑफ क्रॉप एंड यील्डिंग ऑफ क्रॉप डिपेंड ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर्स विच इज कॉस्टली। कहने का मतलब क्या बच्चों, देखिए जो हमारे पास दो तरीके का वाटर है, ध्यान से समझिए, वाटर हमारे पास टू टाइप्स का, एक है हमारे पास सरफेस वाटर, यस और नो, फर्स्ट वन इज द सरफेस वाटर एंड सेकेंड वन इज द ग्राउंड वाटर। ठीक है, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर में क्या होता है बच्चों, सिल्ट कंटेंट होता है, कौन सा होता है सिल्ट कंटेंट होता है, जबकि ग्राउंड वाटर में सिल्ट कंटेंट क्या है ना के बराबर होता है। ठीक है, ना के बराबर होता है। आप लोग देखते होंगे अपने घरों में जो पानी पीते हैं आप समर सेवर की हेल्प से जो वाटर यूज कर रहे होते हैं उसमें सिल्ट कंटेंट कभी कभी होता है बल्कि ना के बराबर होता है। बट अगर वही वाटर किसी रिवर में है या किसी वाटर चैनल में है तो वहां पे आपको सिल्ट कंटेंट देखने को मिलेगा, और जो सिल्ट कंटेंट जितना ज्यादा किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जाता है अगर वो टाइम टाइम पे जाता है तो वो एज ए फर्टिलाइजर वर्क करता है। ठीक है, सॉरी फर्टिलाइजर नहीं, एज ए मिनरल्स वर्क करता है। अगर आप ज्यादातर ग्राउंड वाटर को यूज करेंगे तो बच्चों वहां पे कोई भी सिल्ट कंटेंट नहीं जाएगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में खाद, यस और नो, तो आपको पता है जैसे यूरिया, ठीक है, डीएपी, ये सब जो हमारे पास है डीएपी और भी जो बहुत सारी चीजें, इन सब पे आपको क्या रहना पड़ेगा, बेस्ड रहना पड़ेगा। इस किसके लिए, जो हमारे पास क्रॉप है उसके प्रोडक्शन को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। चलिए, सौरभ सिंह, मुस्कान, सुमन, वेरी गुड। हाँ, तो इस तरीके से डेफिनेशन देंगे तभी तो मजा आएगा ना, तभी तो आप जाकर के करेंगे वहां पे पेपर में। इतने में कितना नंबर देंगे सर जी, भाई इतने में हम आपको 1 out of 1 दे देंगे, पर बसरते आप थोड़ा सा फॉर्मूला साथ में लिख देना जो आपने पहले आपने लिखा था, ड्यूटी इक्वल टू वर्क, और यहाँ पे आप लिख देना ए बाय क्यू। ठीक है, इस तरीके से और लिख करके आ जाना, एरिया बाय डिस्चार्ज, इतना और लिख करके आ जाना, पूरा आपको 1 out of 1 दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्राउंड वाटर टेबल कंटिन्यूअसली डिक्रीज ड्यू टू विच वाटर क्राइसिस कंडीशन डेवलप। अगर बच्चों आप जैसे देखें एक ही जगह पे अगर आप क्या कर रहे हैं वाटर को लिफ्ट अप कर रहे हैं, बार बार वाटर को लिफ्ट अप कर रहे हैं, तो आपको पता है कि वहां पे जो वाटर टेबल है वो धीरे 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 क्या करेगा बच्चों, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, एक टाइम इतना कॉस्टली स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, इतना कॉस्टली यहाँ पे आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जो नॉर्मल फार्मर है, जो स्मॉल छोटा फार्मर है, वो तो बेचारा अपने एरिया को इरिगेट ही नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है बताइए, गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ग्राउंड वाटर को रिजर्व करके रखा जाए, जो भी हमने जितने भी वेरियस यूजेस हैं, चाहे वो डोमेस्टिक है, इंडस्ट्री है, या फिर हाइड्रो पावर जनरेशन है, हम सब में किसका यूज करें, जो भी हमारे पास सरफेस वाटर है उसको हम लोग यूज करें। ठीक है ना, तो ये हमारे पास मेन मोटो रहता है कि ग्राउंड वाटर को हमने रिजर्व करना, अदरवाइज क्या जाएगी बच्चों, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, पीने तक पानी नहीं रहेगा, इरिगेशन तो बहुत दूर की बात है। तो ये हमारे पास पॉइंट है, दीज आर द डिसएडवांटेज। ठीक है, तो आपको सभी को क्लियर हो गए व्हाट आर द एडवांटेज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द लिफ्ट इरिगेशन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लिफ्ट इरिगेशन एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ लिफ्ट इरिगेशन। तो बच्चे यहां से आपको 6 marks का क्वेश्चन आएगा। चलिए बोलिए, लिफ्ट इरिगेशन में किसी भी स्टूडेंट्स को एनी डाउट, कोई भी डाउट है तो बच्चे बताओ, कोई भी डाउट है अगर आपको लिफ्ट इरिगेशन में,
आप आराम से पॉइंट्स को पढ़िए, एक एक पॉइंट को पढ़ करके आप सारे क्वेश्चन का क्या दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। अच्छे से डायग्राम बनाकर क्या ना बच्चों, डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको SBT में आ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको, व्हाट इज द लिफ्ट इरिगेशन, व्हाट आर द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ द लिफ्ट इरिगेशन। एनी डाउट? एनी डाउट बच्चों? किसी भी स्टूडेंट्स का अगर डाउट है तो बताइए जल्दी से, कोई भी डाउट है। देखिए मेथड ऑफ इरिगेशन में बच्चों हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, हमारे पास ये 3 टाइप्स के मेथड्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से मेथड्स हैं बताइए जल्दी से, और आप लोगों को पता है तो जल्दी से बताओ हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं इरिगेशन के। तो हम लोग बच्चों 3 मेथड्स पढ़ते हैं, कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं ध्यान से देखिए। फर्स्ट वन इज द सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन, यस और नो? एंड नेक्स्ट वन इज द बच्चों उसको हम लोग कहेंगे सब सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बच्चों? ड्रिप इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं। इसे जानते हैं हम लोग ड्रिप इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं। सब सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड सरफेस इरिगेशन, दीज आर द मेथड्स। ठीक है, दीज आर द मेथड्स ऑफ द इरिगेशन। चलिए कम से कम किसी का मन लगाने के तो काम आ रहे हैं। ओके, मेथड ऑफ द इरिगेशन क्या है बच्चों? यहाँ पे देखिए सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, या फिर हम लोग बच्चों इसको क्या कहेंगे? ड्रिप इरिगेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ तक आपको क्लियर होने चाहिए। इसके बाद बच्चों हम लोग कल क्लास लेंगे अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, सरफेस सब सरफेस ओवर हेडेड इरिगेशन। तो आपने याद रखना है इस तरीके का हमारे पास होगा, सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। नेक्स्ट जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कल वाली क्लास में, हम लोगों की कोशिश रहेगी इस चैप्टर को कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या कर जाए, मूव कर जाए। ठीक है ना, तो ये चैप्टर इजी है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, थोड़ा सा आज जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से टफ हो गए थे, हाँ, तो कल वाली क्लास में कोशिश करेंगे कि बिल्कुल जब भी हो सिंपल क्वेश्चन लेकर के आए आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पहले बच्चे आते हैं फिर धीरे धीरे मूव करने लग जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा देखिए आपको अच्छा लगना चाहिए। स्प्रिंकलर फ्लो ड्रिप फ्री चेक बॉर्डर बेसिन, हाँ, सरफेस इरिगेशन में हमारे पास ये दीज आर द टाइप्स ऑफ द सरफेस इरिगेशन। अब हम लोग उनको देखेंगे सरफेस इरिगेशन में। तो बच्चों कल वाली जो क्लास है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का, सॉरी हाईवे का, तो हम लोग हाईवे वाली क्लास में पढ़ेंगे कल कौन सा चैप्टर है हमारे पास, ज्योमेट्रिक डिजाइन। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिजाइन, बट उससे पहले हम लोग बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, और ये श्योर रहिए कल वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, आज जैसे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, ये ना आज थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करें, तो कल पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाद में वो होगा। थैंक यू सो मच सर। सर जी थोड़ा सा आप स्पीड कीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा। आर्टिफिशियल इरिगेशन का टाइप है सर स्प्रिंकलर इरिगेशन, हाँ सही है, उसको हम लोग आर्टिफिशियल इरिगेशन में कह सकते हैं, और जो ड्रिप इरिगेशन है वो भी तो आर्टिफिशियल इरिगेशन का एग्जांपल है, ज़्यादातर तो आपको आर्टिफिशियल के एग्जांपल्स मिलेंगे।
चलिए ओके स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं। ओके थैंक यू।